द गोनीस मूवी के फैक्टो रिव्यू द गोनीस सन उन्नीस सौ पिचासी की अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो क्रिस कोलम्बस की पटका था और रिचर्ड डोनर द्वारा सहनिर्मित तो और निर्देशित है जो स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानी पर आधारित है इसमें सीन सीन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहेन को और कोरी फेल्डमैन और कैरी के ग्रीन और मार्थक ने अभिनय किया है जॉन मार्टू माटूसज्जक जैनी रॉबर्ट्स रॉबर्ट डेविड जो पैट्रोलियोनो और मैरी एलन ट्रेलर का द्वारा सहायक भूमिकाओं के साथ पिलिम्पटन और हुई क्लगबी फिल्म के एस स्टोरिया ओगरगन में गुन डॉक्स पोडेस में रहने वाले बच्चों का एक समूह अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करता है और ऐसा करने पर उन्हें एक पुराने खजाने का नक्शा मिला जहाँ उन्होंने खोजने के लिए एक साहित्य साहसिक कार्य पर ले जाया जाता है सत्रहवीं सता सदी में प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहित्य साहसिक कार्य के दौरान अपराधियों का एक परिवार उनका पीछा करता है जो अपने लिए खजाना चाहते थे फिल्म के निर्देशक रिचर्ड डोनर है फिल्म की पटकथा के बस है फिल्म की कहानी स्टीफन स्पीलवर्ग है फिल्म को उत्पादित किया गया रिचर्ड डोनर और हार्वे बर्न हार द्वारा अभिनीति है सोन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहन के कोरी फिल्डमैन के कैरी ग्रीन मार्था पिलिम्पस्टन के हुई कवान और एनी रेम्से छायांकन है निक मैकलिन का संपादित है माइकल कैहन के संगीत है डेव ग्रासिन के उत्पादन कंपनी एलम्बिन एंटरटेनमेंट वितरित किया गया वार्नर बर्दस द्वारा रिलीज की तारीख सात जून सन उन्नीस सौ पिचासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया था इसका कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का निर्माण इस बिलबर्ग के एवलिंटन एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था और पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सात जून सन उन्नीस सौ पिचासी को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था कथानक एस्टोरिया औरगेन को एक गुंड डॉक्स क्षेत्र में अपने घरों का एक विस्तारित कंट्री क्लब के लिए जब्त किए जाने का सामना करते हुए बच्चों का एक समूह जो खुद को द कहते थे और अंतिम सप्ताहांत के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं वो वॉलसेस की एंट्री में खोजबीन करते हुए उन्होंने सन सोलह सौ सो बत्तीस का एक डब डबलून और पुराना खजाना नक्शा मिला जो पैराणिक समुद्री डाकू वन आई डी विली विली के खजाने तक ले जाता था माना जाता है कि इस वह पास के ही पास में ही कि कहीं स्थित और मिकी वन आइड्स विली को आ, असली गुनी मानता है खजाने में अपने घरों को बचाने और आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्राउन की हावी हो जाते हैं और उसे बांध देते हैं तट पर एक प्रत्येक रेस्तरा में खज में जाते हैं जो नक्शे से मेल खाता है ब्राउन जल्द ही एंडी के साथ आ जाता है और चेयर लीडर और उस पर क्राउन है और स्टेफ एंडी का दोस्त है समूह को अत्यंत पता है चलता है कि प्रत्येक रेस्तरा फ्रेटली अपराध परिवार का ठिकाना है फ्रांसिस जेक और उनकी माँ गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते हैं और उसका पीछा करते हैं लेकिन चंक पुलिस को संचेत करने के लिए निकल जाता है जब चंक एक मोटर चालक को सेरिफ स्टेशन जाने के लिए रोकता है तो फेरेटेलिस फेरे द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उ, उनके विनाश वनाश विकृत छोटे भाई इसलोत के साथ कैद कर दिया जाता है फरेंटेलिस चंक से तब तक पूछताछ करते हैं जब तक कि वह यह नहीं बता देते कि गुंडे कहां गए और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं चंग इस श्लोक को इस पास रह जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है इस श्लोक द्वारा उन दोनों को मुक्त करने के बाद चंक सैरिफ को बुलाता है जो सोचता है कि वह चंक की लंबी कहानियों से में से एक है चंक और इस्लोक इस फ्रेंटिस पथ का अनुसरण करते हैं गुनी सुरंगों के किनारे कई घातक बूबी जालों को बचते हुए जबकि फ्रेंटेलिस को को बमु को बमुश्किल आगे रहते हैं और वे अत्यंत उस कुटी तक पहुंचते हैं जहां विली की विली का समुद्री डाकू जहाज दाहिन फ्रों लंगर डालते हुए समूह को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है और वे अपनी जेबें भरना शुरू कर देते हैं लेकिन मिकी ने उन्हें कि विली विली के कंकाल के सामने तराजू से के सेट पर कुछ भी नहीं लेने की चेतावनी दी है मानते हुए कि वह उसके प्रति उनकी श्रद्धांजलि है जैसे ही गुंडे भागने की योजना बना रहे होते हैं तो फ्रेंटेलिस प्रकट होते हैं और उनके उनकी लूट छीन लेते हैं फ्रेंसलिस ने ग्रनीज के हाथों का बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जब तक वह जंग के के इस लौट के नहीं आ जाएंगे और फ्रेंटेलिस को माफी कर देने देर तक से विचलित कर दिया जाता कि गुनीज पानी में कूद सके और सुरक्षा के लिए तैयार फंडेफ्रांड एंडी को डूबने से बचाना और वेचुमन करते हैं फ्रेंटलिस विली की तरह जो सहित सभी खजाने को हथियारों के लिए आगे बढ़ाते हैं जिससे इससे एक बूबी ट्रैप शुरू हो जाता है और जिससे कूटी धंस जाती है और स्लोत की मदद से गुनीज और फ्रेंटेलिस मुश्किल में से बच निकलते हैं दो समूह एस्टोरिया और समुद्र तट पर उभरते हैं जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिले मिलते हैं और फ्रेंटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन चंक क्लोस चंक इसलोथ को भी ले जाने से रोकते हैं और इसलोथ को अपने साथ रहने के लिए लियामदी करते हैं जिससे इसलोथ स्वीकार कर लेता है और जैसे ही मिक्की के पिता फौजदारी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले होते हैं तो वोसेस की नौकरानी रोसालिटा को पता चलता है कि मिक्की का संगमरमर का बैग उन रत्नों से भरा होता है जो उसने जहाज से मिले थे जिन्हें फ्रेंटेलिस ने जब्त किया था मिक्की के पिता ने विजयी होकर कागजात फाड़ दिया और घोषणा की कि उनके पास फौजदारी और नकारने के लिए पर्याप्त है जैसे ही गुंडे अविश्वासी प्रेम के पुलिस को अपने साहसिक कार्य की कहानी सुना रहे होते हैं तो किसी का ध्यान इनफो इन की ओर आकर्षित हो गया और कुटी की मुक्त हो गई दूसरी ओर शानदार ढंग से अपना आप निकल रहा था सोन ब्रेडन ब्राउन क्लास के रूप में जोस ब्रोलिन एक हाई स्कूल एथलिन और मिकी के बड़े भाई का के भाई और विचारक थे जेफ कोहेन लॉरेंस चंक कोहेन के रूप में गुनिस का एक अनाडी पेटू सदस्य और आ। आदतन मिथ्यावादी था कोरी फोल, फोरी फेल्डमैन क्लर्क माउथ डेवरा के रूप में एक गुनी उपनाम जी अपनी चु, चुटकली जीप के लिए जाना जाता था और मिके का सबसे अच्छा दोस्त था के हुई क्ला रिचर्ड डेटा वॉन्ग के रूप में एक जेम्स बॉन्ड्स कट्टरपंथी के और सोकिया गेजेट्रियर गुनी थे एड्रिया थेरेसा एंडी कारमाइकल के रूप में कैरी ग्रीन एक हाई स्कूल टीचर लीडर्स और ब्राउन की प्रेमिका है स्टेफनी स्टेस स्टेव स्टीन ब्रेनर की और टॉम ब्रॉय की एंडी की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में मार्था प्लिम्पटन है मामा माना मामा फ्रेंटलेली के रूप में एनी रेसमे अपने परिवार की तावली मूल की अपराधा मुखिया हैं जेक फ्रेंडली के रूप में रॉबर्ट डेवी मामा फ्रेंडली का बेटा एक एक जाल साहस और हाल ही में भागा हुआ भगोड़ा जो पुलिस हिरासत से भागा था जैसे ही फिल्म की शुरुआत में देखा गया था फ्रांसिस फ्रेंडली के रूप में जो पेट्रोलियनों का मामा फ्रेंडली का एक पसंदीदा बेटा जो चश्मा और पीस पहनता है लेटलोटनी स्लोथ फ्रेंडली के रूप में जॉन मार्टूस विकृत जो प्रताप लेकिन बाल हृदिया मामा फ्रेंडली का बेटा जिसके चंक दोस्ती करता है आइसरीन वोल्स मिक्की के ब्रांड की उद्यम मचाने वाली मां के रूप में मेरी एलन ट्रेनर है कि की कित की वोकल है इसे और इवरिन इनक्लोस मिकी के ब्रांड के पिता और स्थानीय इतिहास संग्रहालय के, के, के क्यूरेटर के रूप में है रोसा लिटा के रूप में ओटीवी ओटवेरोस वोल्स परिवार की मैक्सिन हाउस कीगर जो केवल पे स्पेनिश बोल सकती है और एलिंगिन एलिंगिन पॉर्कनस के रूप में एंड सेन ट्रायल जो क्रोड़पति पिता और स्टोरिया कंट्री क्लब के मालिक जो जोकुन डॉक्स पर फौजदारी के पीछे हैं ट्रोयल फो पार्किंस के रूप में स्टीव एंटिन एलगिन पार्किंस का बिगडेल बेटा जो एडी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्राड का प्रतिद्वंदी है शरीफ के रूप में पोल ट्रूरेपे जो जॉर्ज रोबेथम एक जेल प्रहारी के रूप में जो के जे एक की एक नकली आत्महत्या के मूर्ख बना दिया है मिस्टर वांग के रूप में माइकल चेन डाटा डेटा के, के पिता जो जेम्स बॉन्ड्स के कट्टर के और गैजेट प्रेमी भी हैं निर्देशक रिचर्ड डोना सेरिफ के और डिप्टी के रूप में अप्रकाशित केमियो भूमिका निभाते हैं फिल्म के सिनेमेटोग्राफर निक मैकलिन ने भी माउथ के पिता का भूमिका निभाई है मर्थ एफ एजेंट की भूमिका टेड ग्रांसमैन ने निभाई है इसके बाद देखा गया है कि फिल्म का उत्पादन द गेन द गोनिस पर मुख्य फोटोग्राफी बाईस अक्टूबर सन उन्नीस को शुरू हुई और पांच महीने तक चली अतिरिक्त छह सप्ताह तक ऑडियो डिबिंग और रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया था शूटिंग स्क्रिप्ट 120 से अधिक पृष्ठों पर लंबी थी जिसमें अंत में अंतिम नाटकीय स्करण में कई दृश्यों को काट दिया गया था फिल्म का समापन के दौरान एक ऑक्टोपस का उल्लेख किया गया था जो दृश्य को संदृप्त करता है और अंतिम का कट को हटा दिया गया था द गोनीस मूवी के फैक्टो रिव्यू द गोनीस उन्नीस सौ पिचासी की अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो क्रिस कोलम्बस की पटका था और रिचर्ड डोनर द्वारा सहनिर्मित तो और निर्देशित है जो स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानी पर आधारित है इसमें सीन सीन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहेन को और कोरी फेल्डमैन और कैरी के ग्रीन और मार्थक ने अभिनय किया है जॉन मार्टू माटूसज्जक जैनी रॉबर्ट्स रॉबर्ट डेवी जो पेट्रोलियोनो और मैरी एलन ट्रेलर का द्वारा सहायक भूमिकाओं के साथ प्लिप्टन और हुई भी फिल्म के एसटोरिया ओगरगन में गून डॉक्स पोडेस में रहने वाले बच्चों का एक समूह अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करता है और ऐसा करने पर उन्हें एक पुराने खजाने का नक्शा मिला जहां उन्होंने खोजने के लिए एक साहित्य साहसिक कार्य पर ले जाया जाता है सत्रह सत्रहवीं शताब्दी में प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहित्य साहसिक कार्य के दौरान अपराधियों पर एक परिवार उनका पीछा करता है जो अपने लिए खजाना चाहते थे फिल्म के निर्देशक रिचर्ड डोनर है फिल्म की पटकथा के बस है फिल्म की कहानी स्टीफन स्पीलवर्ग है फिल्म को उत्पादित किया गया रिचर्ड डोनर और हार्वे बर्न हार्ट द्वारा अभिनीति है सोन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहन के कोरी फिल्डमैन के कैरी ग्रीन मार्था प्लिप्टन के हुई कवान और एनी रेम्स छायांकन है निक मैकलिन का संपादित है माइकल कहन के संगीत है डेव ग्राशीन के उत्पादन कंपनी एलम्बिन इंटरटेनमेंट वितरित किया गया वार्नर बर्दस द्वारा रिलीज की तारीख सात जून सन उन्नीस सौ पिचासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया था इसका कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का निर्माण इस बिल्बर्ग के एवलिंटन एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था और वर्नरबर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सात जून सन उन्नीस सौ पिचासी को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था कथानक एस्टोरिया औरगेन को एक गुंड डॉक्स क्षेत्र में अपने घरों का एक विस्तारित कंट्री क्लब के लिए जब्त किए जाने का सामना करते हुए बच्चों का एक समूह जो खुद को द कहते थे और अंतिम सप्ताहांत के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं वो वॉल्स की एंट्री में खोजबीन करते हुए उन्होंने सन सोलह सो का एक डबू और पुराना खजाना नक्शा मिला जो पैराणिक समुद्री डाकू वन आई डी विली विली के खजाने तक ले जाता था माना जाता है कि इस वह पास के ही पास में ही कि कहीं स्थित और मिक्की वन आइड्स विली को आ, असली गुनी मानता है खजाने में अपने घरों को बचाने और आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्राउन की हावी हो जाते हैं और उसे बांध देते हैं तट पर एक प्रत्येक रेस्तरा में खज में जाते हैं जो नक्शे से मेल खाता है ब्राउन जल्द ही एंडी के साथ आ जाता है और चेयर लीडर और उस पर क्राउन है और स्टेफ एंडी का दोस्त है समूह को अत्यंत पता चलता है कि प्रत्येक रेस्तरा फ्रेटली अपराध परिवार का ठिकाना है फ्रांसिस जेक और उनकी माँ गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते हैं और उसका पीछा करते हैं लेकिन चंक पुलिस को संचेत करने के लिए निकल जाता है जब चंक एक मोटर चालक को सिर्फ स्टेशन जाने के लिए रोकता है तो फेरेटेलिस फेरे द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उ, उ, उनके विनाश वनाश विकृत छोटे बाइक स्लोत के साथ कैद कर दिया जाता है फ्रेंटेलिस चंक से तब तक पूछताछ करते हैं जब तक कि वह यह नहीं बता देते कि गुंडे कहां गए और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं चंग इस्लोक को इस पास रह जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है इस इस्लोक द्वारा उन दोनों को मुक्त करने के बाद चंक सैरिफ को बुलाता है जो सोचता है कि वह चंक की लंबी कहानियों से में से एक है चंक और इस इसलोथ फ्रेंटिस पथ का अनुसरण करते हैं गुनी सुरंगों के किनारे कई घातक बूबी जालों को बचते हुए जबकि फ्रेंटेलिस को को बमू को बमुश्किल आगे रहते हैं और वे अंतत उस कुटी तक पहुंचते हैं जहां विली की विली का समुद्री डाकू जहाज दाहिन फ्रों लंगर डालते हुए समूह को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है और वे अपनी जेबें भरना शुरू कर देते हैं लेकिन मिकी ने उन्हें विली विली के कंकाल के सामने तराजू सेट के सेट पर कुछ भी नहीं लेने की चेतावनी दी है मानते हुए कि वह उसके प्रति उनकी श्रद्धांजलि है जैसे ही गुंडे भागने की योजना बना रहे होते हैं तो फ्रेंटेलिस प्रकट होते हैं और उनके उनकी लूट छीन लेते हैं फ्रेंसलिस ने ग्रनीज के हाथों का बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जब तक वह जंग के के इस लौट के नहीं आ जाएंगे और फ्रेंटेलिस को माफी कर देने देर तक से विचलित कर दिया जाता ताकि गुनीज पानी में कूद सके और सुरक्षा के लिए तैयार फंडे फ्रांड एंडी को डूबने से बचाना और वे वेचुमन करते हैं फ्रेंटलिस विली की तरह जो सहित सभी खजाने को हथियारों के लिए आगे बढ़ाते हैं जिससे इससे एक बूबी ट्रैप शुरू हो जाता है और जिससे कूटी धंस जाती है और स्लोथ की मदद से गुनीज और फ्रेंटलिस मुश्किल में से बच निकलते हैं दो समूह एस्टोरिया और समुद्र तट पर उभरते हैं जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिले मिलते हैं और फ्रेंटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन चंक क्लोस चंक इसलोथ को भी ले जाने से रोकते हैं और इसलोथ को अपने साथ रहने के लिए आमदी करते हैं जिससे इसलोथ स्वीकार कर लेता है और जैसे ही मिक्की के पिता फौजदारी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले होते हैं तो वोसेस की नौकरानी रोसालिटा को पता चलता है कि मिक्की का संगमरमर का बैग उन रत्नों में से भरा होता है जो उसने जहाज से मिले थे जिन्हें फ्रेंटेलिस ने जब्त किया था मिकी के पिता ने विजयी होकर कागजात फाड़ दिया और घोषणा की कि उनके पास फौजदारी और नकारने के लिए पर्याप्त है जैसे ही गुंडे अविश्वासी प्रेम के पुलिस को अपने साहसिक कार्य की कहानी सुना रहे होते हैं तो किसी का ध्यान इनफो इन की ओर आकर्षित हो गया और कुटी की मुक्त हो गई दूसरी ओर शानदार ढंग से अपना आप निकल रहा था सोन मिकी के के रूप में नजर आए के के थे ब्रेन, ब्रेडन ब्राउन क्लास के रूप में जोस ब्रोलिन एक हाई स्कूल एथलिन और मिकी के बड़े भाई का के भाई और विचारक थे जेफ कोहेन लॉरेंस चंक कोहेन के रूप में गुनिस का एक अनाडी सदस्य और आ, आदतन मिथ्यावादी था कोरी फोल, फोरी फेल्डमैन क्लर्क माउथ डेवरा के रूप में एक गुनी उपनाम जी अपनी चु, चुटुकली जीप के लिए जाना जाता था और मिका सबसे अच्छा दोस्त था के हुई क्ला रिचर्ड डेटा के रूप में एक जेम्स बॉन्ड्स कट्टरपंथी के और सोकिया गेजेट्रियर गुनी थे एड्रिया थेरेसा एंडी कारमाइकल के रूप में कैरी ग्रीन एक स्कूल टीचियर लीडर्स और ब्राउन की प्रेमिका है स्टेफनी स्टेस स्टेव स्टीन ब्रेनर की और टॉम ब्रॉय की एंडी की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में मारथल प्लिम्पटन है मामा माना मामा फ्रेंटलेली के रूप में एनी रेस में अपने परिवार की तावली मूल की अपराधा मुखिया हैं जेक फ्रेंटली के रूप में रॉबर्ट डेवी मामा फ्रेंटली का बेटा एक एक जाल साहस और हाल ही में भागा हुआ भगोड़ा जो पुलिस हिरासत से भागा था जैसे ही फिल्म की शुरुआत में देखा गया था फ्रांसिस फ्रेंडली के रूप में जो पेट्रोलियनो का मामा फ्रेंडली का एक पसंदीदा बेटा जो चश्मा और हेयर पीस पहनता है लेटलोटनी स्लोथ फ्रेंडली के रूप में जॉन मार्टूस विकृत जो प्रताप लेकिन बाल हरदिया मामा फ्रेंडली का बेटा जिसके चंक दोस्ती करता है आइसरीन वोल्स मिक्की के ब्रांड की उधम मचाने वाली मां के रूप में मेरी एलन ट्रेनर है की कीत वोकल इसे और इवरिन इनक्लोस मिकी के ब्रांड के पिता और स्थानीय इतिहास संग्रहालय के क्यूरेटर के, के रूप में है रोसा लिटा के रूप में ओटीवी ओटवेरोस वोल्स परिवार की मैक्सिन हाउस कीगर जो केवल पे स्पेनिश बोल सकती है और एलिंगिन एलिंगिन पॉर्कनस के रूप में एंड सेन ट्रायल जो क्रोड़पति पिता और स्टोरिया के कंट्री क्लब के मालिक जोकुन पर फौजदारी के पीछे हैं ट्रायल फॉर पार्किंस के रूप में स्टीव एंटिन एलगिन पार्किंस का बिगडेल बेटा जो एडी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्राड का प्रतिद्वंदी है शरीफ के रूप में पोल ट्रूरपे जो जॉर्ज जो रोबेथम एक जेल प्रहारी के रूप में जो के जे एक की एक नकली आत्महत्या के मूर्ख बना दिया है मिस्टर वांग के रूप में माइकल पोल चेन डाटा डेटा के, के पिता जो जेम्स बॉन्ड्स के कट्टर के और गैजेट प्रेमी भी हैं निर्देशक रिचर्ड डोना सेरिफ के और डिप्टी के रूप में अप्रकाशित केमियो भूमिका निभाते हैं फिल्म के सिनोमेटोग्राफर निक मैकलिन ने भी माउथ के पिता का भूमिका निभाई है मर्द एफ एजेंट की भूमिका स्टेंटमैन टेड ग्रांसमैन ने निभाई है इसके बाद देखा गया है कि फिल्म का उत्पादन द द गोनिस पर मुख्या फोटोग्राफी बाईस अक्टूबर सन उन्नीस सौ को शुरू हुई और पांच महीने तक चली अतिरिक्त छह सप्ताह तक ऑडियो डिबिंग और रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया था शूटिंग स्क्रिप्ट एक सौ बीस से अधिक पृष्ठों पर लंबी थी जिसमें अंत में अंतिम नाटकीय संकरण में कई दृश्यों को काट दिया गया था फिल्म का समापन के दौरान एक ऑक्टोपस का उल्लेख किया गया था जो दृश्य को संदृप्त करता है और अंतिम का कट को हटा दिया गया था द गोनीस मूवी के फैक्टो रिव्यू द गोनीस सन उन्नीस सौ पिचासी की अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो क्रिस कोलंबस की पटका था और रिचर्ड डोनर द्वारा सहनिर्मित तो और निर्देशित है जो स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानी पर आधारित है इसमें सीन सीन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहेन को और कोरी फेल्डमैन और कैरी के ग्रीन और मार्थक ने अभिनय किया है जॉन मार्टू माटूसज्जक जेनी रॉबर्ट्स और रॉबर्ट डेवी जो पेट्रोलियोनो और मैरी एलन ट्रेलर का द्वारा सहायक भूमिकाओं के साथ प्लिपटन और हुई क्लगबी फिल्म के एस्टोरिया ओग्र में गून डॉक्स प्रोडेस में रहने वाले बच्चों का एक समूह अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करता है और ऐसा करने पर उन्हें एक पुराने खजाने का नक्शा मिला जहां उन्होंने खोजने के लिए एक साहित्य साहसिक कार्य पर ले जाया जाता है सत्र 17वीं शताब्दी में पर्सी समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहित्य साहसिक कार्य के दौरान अपराधियों का एक परिवार उनका पीछा करता है जो अपने लिए खजाना चाहते थे फिल्म के निर्देशक रिचर्ड डोनर है फिल्म की पटकथा के स्कॉल बस है फिल्म की कहानी स्टीफन स्पीलवर्ग है फिल्म को उत्पादित किया गया रिचर्ड डोनर और हार्वे बर्नहार्ड द्वारा अभिनय है सोन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहन के कोरी फिल्डमैन के कैरी ग्रीन मार्था प्लिप्टन के हुई कवान और एनी रेम्स छायांकन है निक मैकलिन का संपादित है माइकल कहन के संगीत है डेव ग्राशीन के उत्पादन कंपनी एलम्बिन इंटरटेनमेंट वितरित किया गया वार्नर बर्दस द्वारा रिलीज की तारीख सात जून सन उन्नीस सौ पिचासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया था इसका कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का निर्माण इस बिल्बर्ग के एवलिंटन इंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था और वनरबर संयुक्त द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सात जून सन उन्नीस सौ पिचासी को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था कथानक एस्टोरिया औरगेन को एक गुण डॉक्स क्षेत्र में अपने घरों का एक विस्तारित कंट्री क्लब के लिए जब्त किए जाने का सामना करते हुए बच्चों का एक समूह जो खुद को द कहते थे और अंतिम सप्ताहांत के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं वो वॉल्स की एंट्री में खोजबीन करते हुए उन्होंने सन सोलह सो का एक डब और पुराना खजाना नक्शा मिला जो पैराणिक समुद्री डाकू वन आईडी विली विली के खजाने तक ले जाता था माना जाता है कि इस वह पास के ही पास में ही कि कहीं स्थित और मिकी वन आइड्स विली को आ, असली गुनी मानता है खजाने में अपने घरों को बचाने और आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्राउन की हावी हो जाते हैं और उसे बांध देते हैं तट पर एक प्रत्येक रेस्तरा में खज में जाते हैं जो नक्शे से मेल खाता है ब्राउन जल्द ही एंडी के साथ आ जाता है और चेयर लीडर और उस पर क्राउन है और स्टेफ एंडी का दोस्त है समूह को अत्यंत पता चलता है कि प्रत्येक रेस्तरा फ्रेटली अपराध परिवार का ठिकाना है फ्रांसिस जेक और उनकी माँ गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते हैं और उसका पीछा करते हैं लेकिन चंक पुलिस को संचेत करने के लिए निकल जाता है जब चंक एक मोटर चालक को सिर्फ स्टेशन जाने के लिए रोकता है तो फेरेटेलिस फेरे द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उ, उ, उनके विनाश वनाश विकृत छोटे बाइक स्लोत के साथ कैद कर दिया जाता है फ्रेंटेलिस चंक से तब तक पूछताछ करते हैं जब तक कि वह यह नहीं बता देते कि गुंडे कहां गए और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं चंग इस को पास रह जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है इस श्लोक द्वारा उन दोनों को मुक्त करने के बाद चंक सैरिफ को बुलाता है जो सोचता है कि वह चंक की लंबी कहानियों से में से एक है चंक और स्लोत इस, इस फ्रेंटिस पथ का अनुसरण करते हैं गुनी सुरंगों के किनारे कई घातक बूबी जालों को बचते हुए जबकि फ्रेंटेलिस को को बम को बमुश्किल आगे रहते हैं और वे अत्यंत कुटी तक पहुंचते हैं जहां विली की विली का समुद्री डाकू जहाज लंगर डालते हुए समूह को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है और वे अपनी जेबें भरना शुरू कर देते हैं लेकिन मिकी ने उन्हें विली विली के कंकाल के सामने तराजू सेट के सेट पर कुछ भी नहीं लेने की चेतावनी दी है मानते हुए कि वह उसके प्रति उनकी श्रद्धांजलि है जैसे ही गुंडे भागने की योजना बना रहे होते हैं तो फ्रेंटेलिस प्रकट होते हैं और उनके उनकी लूट छीन लेते हैं फ्रेंसेलिस ने ग्रनीज के हाथों का बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जब तक वह जंग के के इसलोत के नहीं आ जाएंगे और फ्रेंटलिस को माफी कर देने देर तक से विचलित कर दिया जाए ताकि गुनीज पानी में कूद सके और सुरक्षा के लिए तैयार फंडे फ्रांड एंडी को डूबने से बचाना और बेचुमन करते हैं फ्रेंटलिस विली की तरह जो सहित सभी खजाने को हथियारों के लिए आगे बढ़ाते हैं जिससे इससे एक बूबी ट्रैप शुरू हो जाता है और जिससे कूटी धंस जाती है और इसलोत की मदद से गनीज और फ्रेंटलिस मुश्किल में से बच निकलते हैं दो समूह एस्टोरिया और समुद्र तट पर उभरते हैं जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिले मिलते हैं और फ्रेंटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन चंक क्लोस चंक इसलोथ को भी ले जाने से रोकते हैं और वे इसलोथ को अपने साथ रहने के लिए आमदी करते हैं जिससे इस स्वीकार कर लेता है और जैसे ही मिक्की के पिता फौजदारी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले होते हैं तो वोसेस की नौकरानी रोसालिटा को पता चलता है कि मिकी का संगमरमर का बैग उन रत्नों से भरा होता है जो उसने जहाज से मिले थे जिन्हें फ्रेंटेलिस ने जब्त किया था मिकी के पिता ने विजय होकर कागजात फाड़ दिया और घोषणा की कि उनके पास फौजदारी और नकारने के लिए पर्याप्त है जैसे ही गुंडे विश्वासी प्रेम के पुरुष को अपने साहसिक कार्य की कहानी सुना रहे होते हैं तो किसी का ध्यान इन इन फर्नों की ओर आकर्षित हो गया और कुटी की मुक्त हो गई दूसरी ओर शानदार ढंग से अपना आप निकल रहा था सोन ब्रेडन ब्राउन क्लास के रूप में जोस ब्रोलिन एक हाई स्कूल एथलीन और मिकी के बड़े भाई का के भाई और विचारक थे जेफ कोहेन लॉरेंस चंक कोहेन के रूप में गुनिस का एक अनाडी पेटूस सदस्य और आ, आदतन मिथ्यावादी था कोरी फोल, फोरी फेल्डमैन क्लर्क माउथ डेवरा के रूप में एक गुनी उपनाम जी अपनी चु, चुटकली जीप के लिए जाना जाता था और मिकेगा सबसे अच्छा दोस्त था रिचर्ड डेटा के हुई क्ला, रूप में एक जेम्स बॉन्ड्स कट्टरपंथी के और सोकिया गेजेट्रिय गुनी थे एड्रिया थेरेसा एंडी कारमाइकल के रूप में कैरी ग्रीन एक हाई स्कूल टीचर लीडर्स और ब्राउन की प्रेमिका है स्टेफनी स्टेस स्टेव स्टीन ब्रेनर की और टॉम ब्रॉय की एंडी की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में मार्थल प्लिम्पटन है मामा माना, मामा फ्रेंटलेली के रूप में एनी रेस में अपने परिवार की तावली मूल की अपराधा मुखिया है जेक फ्रेंटली के रूप में रॉबर्ट डेवी मामा फ्रेंटली का बेटा एक एक जाल साहस और हाल ही में भागा हुआ भगोड़ा जो पुलिस हिरासत से भागा था जैसे ही फिल्म की शुरुआत में देखा गया था फ्रांसिस फ्रेंडली के रूप में जो पेट्रोलियनों का मामा फ्रेंडली का एक पसंदीदा बेटा जो चश्मा और हेयर पीस पहनता है लेलोटनी स्लोथ फ्रेंडली के रूप में जॉन मार्टूस विकृत जो प्रताप लेकिन बाल हृदय मामा फ्रेंडली का बेटा जिसके चंक दोस्ती करता है आइसरीन वोल्स मिक्की के ब्रांड की उधम मचाने वाली मां के रूप में मेरी ट्रेनर है कित की, वोकल इसे और इवरिन इनक्लोस मिकी के ब्रांड के पिता और स्थानीय इतिहास संग्रहालय के क्यूरेटर के, के रूप में है रोसा लिटा के रूप में ल्यू ओटवेरोस वोल्स परिवार की मैक्सिन हाउस कीगर जो केवल पर पे स्पेनिश बोल सकती है और एलिंगिन एलिंगिन पॉर्कन के रूप में एंड सेन ट्रायल जो क्रोडपति पिता और स्टोरिया के कंट्री क्लब के मालिक जोकुन पर फौजदारी के पीछे हैं ट्रॉयल फॉर पार्किंस के रूप में स्टीव एंटिन एलगिन पार्किंस का बिगडेल बेटा जो एडी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्राड का प्रतिद्वंदी है शरीफ के रूप में पोल ट्रूरेपे जो जॉर्ज रोबेथम एक जेल प्रहारी के रूप में जो के जे एक की एक नकली आत्महत्या के मूर्ख बना दिया है मिस्टर वांग के रूप में माइकल चेन डाटा डेटा के, के पिता जो जेम्स बॉन्ड के कट्टर के और गैजेट प्रेमी भी हैं निर्देशक रिचर्ड डोना सेरिफ के और डिप्टी के रूप में अप्रकाशित केमियों भूमिका निभाते हैं फिल्म के सिनोमेटोग्राफर निक मैकलिन ने भी माउथ के पिता का भूमिका निभाई है मर्थ एफ एजेंट की भूमिका स्टंटमैन टेड ग्रांसमैन ने निभाई है इसके बाद देखा गया है कि फिल्म का उत्पादन द द गोनिस पर मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर सौ चौरासी को शुरू हुई और महीने तक तक चली अतिरिक्त सप्ताह ऑडियो और रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया था शूटिंग स्क्रिप्ट एक सौ बीस से अधिक पृष्ठों पर लंबी थी जिसमें अंत में अंतिम नाटकीय स्करण में कई दृश्यों को काट दिया गया था फिल्म का समापन के दौरान एक ऑक्टोपस का उल्लेख किया गया था जो दृश्य को संदृप्त करता है और अंतिम का कट को हटा दिया गया था द गोनीस मूवी के फैक्टर रिव्यू द गोनीसन उन्नीस सौ पिचासी की अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो क्रिस कोलंबस की पटका था और रिचर्ड डोनर द्वारा सहनिर्मित तो और निर्देशित है जो स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानी पर आधारित है इसमें सीन सीन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहेन को और कोरी फेल्डमैन और कैरी के ग्रीन और मार्थक ने अभिनय किया है जॉन मार्टू माटूसज्जक जेनी रॉबर्ट्स और रॉबर्ट डेविड जो पेट्रोलियोनो और मैरी एलन ट्रेलर का द्वारा सहायक भूमिकाओं के साथ प्लिपटन और हुई क्लगबी फिल्म के एस्टोरिया ओगर में गून डॉक्स प्रोडेस में रहने वाले बच्चों का एक समूह अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करता है और ऐसा करने पर उन्हें एक पुराने खजाने का नक्शा मिला जहां उन्होंने खोजने के लिए एक साहित्य साहसिक कार्य पर ले जाया जाता है सत्रहवीं सत्र में प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहित्य साहसिक कार्य के दौरान अपराधियों का एक परिवार उनका पीछा करता है जो अपने लिए खजाना चाहते थे फिल्म के निर्देशक रिचर्ड डोनर है फिल्म की पटकथा के बस है फिल्म की कहानी स्टीफन स्पीलवर्ग है फिल्म को उत्पादित किया गया रिचर्ड डोनर और हार्वे बन हार द्वारा अभिनति है सोन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहन के कोरी फिल्डमैन के कैरी ग्रीन मार्था प्लिप्टन के हुई कवान और एनी रेम से छायांकन है निक मैकलिन का संपादित है माइकल कहन के संगीत है डेव ग्राशिन के उत्पादन कंपनी एलंबिन इंटरटेनमेंट वितरित किया गया वार्नर दस द्वारा रिलीज की तारीख सात जून सन उन्नीस सौ पिचासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया था इसका कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का निर्माण इस के एवलिंटन एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था और वर्नर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सात जून सन उन्नीस सौ पिचासी को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था कथानक एस्टोरिया औरगेन को एक गुण डॉक्स क्षेत्र में अपने घरों का एक विस्तारित कंट्री क्लब के लिए जब्त किए जाने का सामना करते हुए बच्चों का एक समूह जो खुद को द कहते थे और अंतिम सप्ताहांत के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं वो वॉलसेस की एंट्री में खोजबीन करते हुए उन्होंने सन सोलह सौ का एक डबू और पुराना खजाना नक्शा मिला जो पैराणिक समुद्री डाकू वन आई विली विली के खजाने तक ले जाता था माना जाता है कि इस वह पास के ही पास में ही कि कहीं स्थित और मिकी वन आइड्स विली को आ, असली गुनी मानता है खजाने में अपने घरों को बचाने और आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्राउन की हावी हो जाते हैं और उसे बांध देते हैं तट पर एक प्रत्येक रेस्तरा में खज में जाते हैं जो नक्शे से मेल खाता है ब्राउन जल्द ही एंडी के साथ आ जाता है और चेयर लीडर और उस पर क्राउन है और स्टेफ एंडी का दोस्त है समूह को अत्यंत पता चलता है कि प्रत्येक रेस्तरा फ्रेटली अपराध परिवार का ठिकाना है फ्रांसिस जेक और उनकी माँ गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते हैं और उसका पीछा करते हैं लेकिन चंक पुलिस को संचेत करने के लिए निकल जाता है जब चंक एक मोटर चालक को सिर्फ स्टेशन जाने के लिए रोकता है तो फेरेटेलिस फेरे द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उ, उ, उनके विनाश वनाश विकृत छोटे बाइक स्लोत के साथ कैद कर दिया जाता है फ्रेंटेलिस चंक से तब तक पूछताछ करते हैं जब तक कि वह यह नहीं बता देते कि गुंडे कहां गए और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं चंग इस्लोक को इस पास रह जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है इस इस्लोक द्वारा उन दोनों को मुक्त करने के बाद चंक सैरिफ को बुलाता है जो सोचता है कि वह चंक की लंबी कहानियों से में से एक है चंक और इस इस्लोथ फ्रेंटिस पथ का अनुसरण करते हैं गुनी सुरंगों के किनारे कई घातक बूबी जालों को बचते हुए जबकि फ्रेंटेलिस को को बमु, को बमुश्किल आगे रहते हैं और वे अत्यंत उस कुटी तक पहुंचते हैं जहां विली की विली का समुद्री डाकू जहाज लंगर डालते हुए समूह को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है और वे अपनी जेबें भरना शुरू कर देते हैं लेकिन मिकी ने उन्हें विली, विली के कंकाल के सामने तराजू सेट के सेट पर कुछ भी नहीं लेने की चेतावनी दी है मानते हुए कि वह उसके प्रति उनकी श्रद्धांजलि है जैसे ही गुंडे भागने की योजना बना रहे होते हैं तो फ्रेंटेलिस प्रकट होते हैं और उनके उनकी लूट छीन लेते हैं फ्रेंसेलिस ने गनीज के हाथों का बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जब तक वह इन जंग के के इसलोत के नहीं आ जाएंगे और फ्रेंटलिस को माफी कर देने देर तक से विचलित कर दिया जाए ताकि गुनीज पानी में कूद सके और सुरक्षा के लिए तैयार फंडे फ्रांड एंडी को डूबने से बचाना और वेचुमन करते हैं फ्रेंटलिस विली की जो सहित सभी खजाने को हथियारों के लिए आगे बढ़ाते हैं जिससे इससे एक बूबी ट्रैप शुरू हो जाता है और जिससे कूटी धंस जाती है और इसलोत की मदद से गुनीज और फ्रेंटलिस मुश्किल में से बच निकलते हैं दो समूह एस्टोरिया और समुद्र तट पर उभरते हैं जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिले मिलते हैं और फ्रेंटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन चंक क्लोस चंक इसलोथ को भी ले जाने से रोकते हैं और वे इसलोथ को अपने साथ रहने के लिए आमदी करते हैं जिससे इस स्वीकार कर लेता है और जैसे ही मिक्की के पिता फौजदारी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले होते हैं तो वोल्सेस की नौकरानी रोसालिटा को पता चलता है कि मिक्की का संगमरमर का बैग उन रत्नों से भरा होता है जो उसने जहाज से मिले थे जिन्हें फ्रेंटेलिस ने जब्त किया था मा मिक्की के पिता ने विजयी होकर कागजात फाड़ दिया और घोषणा की कि उनके पास फौजदारी और नकारने के लिए पर्याप्त है जैसे ही गुंडे अविश्वासी प्रेम के पुरुष को अपने साहसिक कार्य की कहानी सुना रहे होते हैं तो किसी का ध्यान इनफो इन फर्नों की ओर आकर्षित हो गया और कुटी की मुक्त हो गई दूसरी और दूसरी ओर शानदार ढंग से अपना आप निकल रहा था सोन एस्टीन माइकल्स मिकी वोल्स के रूप में गुनीज के दमा के नेता थे नजर आए थे ब्रेन, ब्रेडन ब्राउन क्लास के रूप में जोस ब्रोलिन एक हाई स्कूल एथलिन और मिकी के बड़े भाई का के भाई और विचारक थे जेफ कोहेन लॉरेंस चंक कोहेन के रूप में गुनिस का एक अनाडी सदस्य और आ, आदतन मिथ्यावादी था कोरी फोल, फोरी फेल्डमैन क्लर्क माउथ डेवरा के रूप में एक गुनी उपनाम जी अपनी चु, चु, चुटकली जीप के लिए जाना जाता था और मिके का सबसे अच्छा दोस्त था के हुई क्ला रिचर्ड डेटा के रूप में एक जेम्स बॉन्ड्स कट्टरपंथी के और सोकिया गेजेट्रिय गुनी थे एड्रिया थेरेसा एंडी कारमाइकल के रूप में कैरी ग्रीन एक हाई स्कूल टीचियर लीडर्स और ब्राउन की प्रेमिका है स्टेफनी स्टेस स्टेव स्टीन ब्रेनर की और टॉम ब्रॉय की एंडी की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में मार्था प्लिम्पटन है मामा मामा फ्रेंटलेली के रूप में एनी रेस में अपने परिवार की तावली मूल की अपराधा मुखिया है जेक फ्रेंटली के रूप में रॉबर्ट डेवी मामा फ्रेंटली का बेटा एक एक जाल और हाल ही में भागा हुआ भगोड़ा जो पुलिस हिरासत से भागा था जैसे ही फिल्म की शुरुआत में देखा गया था फ्रांसिस फ्रेंडली के रूप में जो पेट्रोलियनों का मामा फ्रेंडली का एक पसंदीदा बेटा जो चश्मा और हेयर पीस पहनता है लेटलोटनी स्लोथ फ्रेंडली के रूप में जॉन मार्टूस विकृत जो प्रताप लेकिन बाल हरदिया मामा फ्रेंडली का बेटा जिसके चंक दोस्ती करता है आइसरीन वॉल्स मिकी के ब्रांड की उधम मचाने वाली मां के रूप में मेरी एलन ट्रेनर है कीत की वोकल इसे और इवरिन इनक्लोस मिकी के ब्रांड के पिता और स्थानीय इतिहास संग्रहालय के, के, के क्यूरेटर के रूप में है रोसा लिटा के रूप में ओटीवी ओटवेरोस वोल्स परिवार की मैक्सिन हाउस कीगर जो केवल पर स्पेनिश बोल सकती है और एलिंगिन एलिंगिन पोर्किन के रूप में एंड सेन ट्रायन जो क्रोड़पति पिता और स्टोरिया के कंट्री क्लब के मालिक जोकुन डॉक्स पर फौजदारी के पीछे हैं ट्रॉयल फॉर पार्किंस के रूप में स्टीव एंटिन एलगिन पार्किंस का बिगडेल बेटा जो एडी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्राड का प्रतिद्वंद्वी है शरीफ के रूप में पोल ट्रेपे जो जॉर्ज रोबेथम एक जेल प्रहारी के रूप में जो के जे एक की एक नकली आत्महत्या के मूर्ख बना दिया है मिस्टर वांग के रूप में माइकल चेन डाटा डेटा के पिता जो जेम्स बॉन्ड्स के कट्टर के, और गैजेट प्रेमी भी हैं निर्देशक रिचर्ड डोना सेरिफ के और डिप्टी के रूप में अप्रकाशित केमियो भूमिका निभाते हैं फिल्म के सिनोमेटोग्राफर निक मैकलिन ने भी माउथ के पिता का भूमिका निभाई है मर्द एफ एजेंट की भूमिका स्टंटमेंटेड ग्रांसमैन ने निभाई है इसके बाद देखा गया है कि फिल्म का उत्पादन द गोनिस पर मुख्य फोटोग्राफी बाईस को शुरू हुई और पांच महीने तक तक चली अतिरिक्त सप्ताह ऑडियो और रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया था शूटिंग स्क्रिप्ट एक सौ बीस से अधिक पृष्ठों पर लंबी थी जिसमें अंत में अंतिम नाटकीय नाटकीयकरण में कई दृश्यों को काट दिया गया था फिल्म का समापन के दौरान एक ऑक्टोपस का उल्लेख किया गया था जो दृश्य को संदृप्त करता है और अंतिम का कट को हटा दिया गया था द गोनीस मूवी के फैक्टो रिव्यू द गोनीस सन उन्नीस सौ पिचासी की अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो क्रिस कोलंबस की पटका था और रिचर्ड डोनर द्वारा सहनिर्मित तो और निर्देशित है जो स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानी पर आधारित है इसमें सीन सीन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहेन को और कोरी फेल्डमैन और कैरी के ग्रीन और मार्थक ने अभिनय किया है जॉन मार्टू जेनी रोबर्स रॉबर्ट्स रॉबर्ट डेवी जो लियोनो और मैरी एलन ट्रेलर का द्वारा सहायक भूमिकाओं के साथ प्लिपटन और हुई भी फिल्म के एस्टोरिया ओगर में गून डॉग्स स्पोडेस में रहने वाले बच्चों का एक समूह अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करता है और ऐसा करने पर उन्हें एक पुराने खजाने का नक्शा मिला जहां उन्होंने खोजने के लिए एक साहित्य साहसिक कार्य पर ले जाया जाता है सत्रहवीं सत्र सता सदी में प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान अपराधियों का एक परिवार उनका पीछा करता है जो अपने लिए खजाना चाहते थे फिल्म के निर्देशक रिचर्ड डोनर है फिल्म की पटकथा के बस है फिल्म की कहानी स्टीफन स्पीलवर्ग है फिल्म को उत्पादित किया गया रिचर्ड डोनर और हार्वे बर्न द्वारा अभिनीति है सोन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहन के कोरी फील्डमैन कैरी के, ग्रीन मार्था प्लिस्टन के हुई कमान और एनी से छायांकन है निक मैकलिन का संपादित है माइकल कहन के संगीत है डेवग्राशीन के उत्पादन कंपनी एलम्बिन इंटरटेनमेंट वितरित किया गया वार्नर बर्दस द्वारा रिलीज की तारीख सात जून सन उन्नीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया था इसका कार्यक्रम एक मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का निर्माण इस विलबर्ग के एन एवलिंटन इंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था और वर्णरबरदस पिक्चर संयुक्त द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन उन्नीस को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था कथानक एस्टोरिया ऑर्गेन को एक गुण डॉक्स क्षेत्र में अपने घरों का एक विस्तारित कंट्री क्लब के लिए जब्त किए जाने का सामना करते हुए बच्चों का एक समूह जो खुद को द गोनिस कहते थे और अंतिम सप्ताहांत के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं वो वो वॉलसेस की एंट्री में खोजबीन करते हुए उन्होंने सन सोलह सो का एक डबू और पुराना खजाना नक्शा मिला जो पैराणिक समुद्री डाकू वन आई विली विली के खजाने तक ले जाता था माना जाता है कि इस वह पास के ही पास में ही कि कहीं स्थित और मिकी वन आइड्स विली को आ, असली गुनी मानता है खजाने में अपने घरों को बचाने और आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्राउन की हावी हो जाते हैं और उसे बांध देते हैं और तट पर एक प्रत्येक रेस्तरा में खज में जाते हैं जो नक्शे से मेल खाता है ब्राउन जल्द ही एंडी के साथ आ जाता है और चेयर लीडर और उस पर क्राउन है और स्टेफ एंडी का दोस्त है समूह को अत्यंत पता चलता है कि प्रत्येक रेस्तरा फ्रेटली अपराध परिवार का ठिकाना है फ्रांसिस जेक और उनकी माँ गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते हैं और उसका पीछा करते हैं लेकिन चंक पुलिस को संचेत करने के लिए निकल जाता है जब चंक एक मोटर चालक को सिर्फ स्टेशन जाने के लिए रोकता है तो फेर, फेरेटेलिस द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उ, उ, उनके विनाश वनाश विकृत छोटे बाइक स्लौथ के साथ कैद कर दिया जाता है फ्रेंटेलिस चंक से तब तक पूछताछ करते हैं जब तक कि वह यह नहीं बता देते कि गुंडे कहां गए और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं चंगोक को इस पास रह जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है इस श्लोक द्वारा उन दोनों को मुक्त करने के बाद चंक सैरिफ को बुलाता है जो सोचता है कि वह चंक की लंबी कहानियों से में से एक है चंक और स्लोक इस इस फ्रेंटिस पथ का अनुसरण करते हैं गुनी सुरंगों के किनारे कई घातक बूबी जालों को बचते हुए जबकि फ्रेंटेलिस को को बमु, को बमुश्किल आगे रहते हैं और वे अत्यंत कुटी तक पहुंचते हैं जहां विली की विली का समुद्री डाकू जहाज लंगर डालते हुए समूह को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है और वे अपनी जेबे भरना शुरू कर देते हैं लेकिन मिकी ने उन्हें विली विली के कंकाल के सामने तराजू सेट के सेट पर कुछ भी नहीं लेने की चेतावनी दी है मानते हुए कि वह उसके प्रति उनकी श्रद्धांजलि है जैसे ही गुंडे भागने की योजना बना रहे होते हैं तो फ्रेंटेलिस प्रकट होते हैं और उनके उनकी लूट छीन लेते हैं फ्रेंसेलिस ने गनीज के हाथों का बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जब तक वह जंग के के स्लोथ के नहीं आ जाएंगे और फ्रेंटलिस को माफी कर देने देर तक से विचलित कर दिया जाता कि गुनीज पानी में कूद सके और सुरक्षा के लिए तैयार फंडे फ्रांड एंडी को डूबने से बचाना और वेचुमन करते हैं फ्रेंटलिस विली की तरह जो सहित सभी खजाने को हथियारों के लिए आगे बढ़ाते हैं जिससे इससे एक बूबी ट्रैप शुरू हो जाता है और जिससे कूटी धंस जाती है और इसलोत की मदद से गुनीज और फ्रेंटलिस मुश्किल में से बच निकलते हैं दो समूह एस्टोरिया और समुद्र तट पर उभरते हैं जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिले मिलते हैं और फ्रेंटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन चंक क्लोस चंक इसलोथ को भी ले जाने से रोकते हैं और वे इसे इसलोथ को अपने साथ रहने के लिए लियामदी करते हैं जिससे इस स्वीकार कर लेता है और जैसे ही मिक्की के पिता फौजदारी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले होते हैं तो वोलस की नौकरानी रोसालिटा को पता चलता है कि मिक्की का संगमरमर का बैग उन रत्नों से भरा होता है जो उसने जहाज से मिले थे जिन्हें फ्रेंटेलिस ने जब्त किया था मा मिक्की के पिता ने विजयी होकर कागजात फाड़ दिया और घोषणा की कि उनके पास फौजदारी और नकारने के लिए पर्याप्त है जैसे ही गुंडे अविश्वासी प्रेम के पुरुष को अपने साहसिक कार्य की कहानी सुना रहे होते हैं तो किसी का ध्यान इनफो इन फर्नों की ओर आकर्षित हो गया और कुटी की मुक्त हो गई दूसरी ओर शानदार ढंग से अपना आप निकल रहा था ढालना सोन एस्टीन माइकल्स मिकी वोल्स के रूप में गुनिस के दमा के नेता थे नजर आए थे ब्रेन, ब्रेडन ब्राउन क्लास के रूप में जोस ब्रोलिन एक हाई स्कूल एथलिन और मिकी के बड़े भाई का के भाई और विचारक थे जेफ कोहेन लॉरेंस चंक कोहेन के रूप में गुनिस का एक अनाडी पेटू सदस्य और आ, आदतन मिथ्यावादी था कोरी फोरी फेल्डमैन क्लर्क माउथ डेवरा के रूप में एक गुनी उपनाम जी अपनी चु, चु, चुटकली जीव के लिए जाना जाता था और मिकेगा सबसे अच्छा दोस्त था के हुई क्ला रिचर्ड डेटा के रूप में एक जेम्स बॉन्ड्स कट्टरपंथी के और सोकिया गेजेट्रियर गुनी थे एड्रिया थेरेसा एंडी कारमाइकल के रूप में कैरी ग्रीन एक हाई स्कूल टीचियर लीडर्स और ब्राउन की प्रेमिका है स्टेफनी स्टेस स्टेव स्टीन ब्रेनर की और टॉम ब्रॉय की एंडी की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में मारथल प्लिम्पटन है मामा माना मामा फ्रेंटलेली के रूप में एनी रेस में अपने परिवार की तावली मूल की अपराधा मुखिया है जेक फ्रेंडली के रूप में रॉबर्ट डेवी मामा फ्रेंडली का बेटा एक एक जाल साहस और हाल ही में भागा हुआ भगोड़ा जो पुलिस हिरासत से भागा था जैसे ही फिल्म की शुरुआत में देखा गया था फ्रांसिस फ्रेंडली के रूप में जो पेट्रोलियनों का मामा फ्रेंडली का एक पसंदीदा बेटा जो चश्मा और हेयर पीस पहनता है लेटलोटनी स्लोथ फ्रेंडली के रूप में जॉन मार्टूस विकृत जो प्रताप लेकिन बाल हृदिया मामा फ्रेंडली का बेटा जिसके चंक दोस्ती करता है आइसरीन वोल्स मिक्की के ब्रांड की उद्यम मचाने वाली मां के रूप में मेरी एलन ट्रेनर है कित की, की वोकल है इसे और इवरिन इनक्लोस मिकी के ब्रांड के पिता और स्थानीय इतिहास के संग्रहालय के, के क्यूरेटर के रूप में है रोसा लिटा के रूप में ओटीवी ओटवीरोस वोल्स परिवार की मैक्सिन हाउस कीगर जो केवल पर स्पेनिश बोल सकती है और एलिंगिन एलिंगिन पोर्कनस के रूप में एंड सेन ट्रायल जो क्रोड़पति पिता और स्टोरिया कंट्री क्लब के मालिक जोकुन डॉक्स पर फौजदारी के पीछे हैं ट्रायल फॉर पार्किंस के रूप में स्टीव एंटिन एलगिन पार्किंस का बिगडेल बेटा जो एडी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्रड का प्रतिद्वंदी है शरीफ के रूप में पोल ट्रेपे जो जॉर्ज रोबेथम एक जेल प्रहारी के रूप में जो के जे एक की एक नकली आत्महत्या के मूर्ख बना दिया है मिस्टर वांग के रूप में माइकल चेन डाटा डेटा के, के पिता जो जेम्स बॉन्ड के कट्टर के और गैजेट प्रेमी भी हैं निर्देशक रिचर्ड डोना सेरिफ के और डिप्टी के रूप में अप्रकाशित केमियो भूमिका निभाते हैं फिल्म के सिनेमेटोग्राफर निक मैकलिन ने भी माउथ के पिता का भूमिका निभाई है मर्द एफ एजेंट की भूमिका स्टेंटमैन टेड ग्रांसमैन ने निभाई है इसके बाद देखा गया है कि फिल्म का उत्पादन द गेन द गोनिस पर मुख्य फोटोग्राफी बाईस अक्टूबर सन चौरासी को शुरू हुई और पांच महीने तक तक चली अतिरिक्त सप्ताह ऑडियो डिबिंग और रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया था शूटिंग स्क्रिप्ट एक सौ बीस से अधिक पृष्ठों पर लंबी थी जिसमें अंत में अंतिम नाटकीय नाटकीयकरण में कई दृश्यों को काट दिया गया था फिल्म का समापन के दौरान एक ऑक्टोपस का उल्लेख किया गया था जो दृश्य को संदृप्त करता है और अंतिम का कट को हटा दिया गया था द गोनीस मूवी के फैक्टो रिव्यू द गोनीस सन उन्नीस सौ पिचासी की अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो क्रिस कोलम्बस की पटका था और रिचर्ड डोनर द्वारा सहनिर्मित तो और निर्देशित है जो स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानी पर आधारित है इसमें सीन सीन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहेन को और कोरी फेल्डमैन और कैरी के ग्रीन और मार्थक ने अभिनय किया है जॉन मार्टू जेनी रोबर्स रॉबर्ट्स रॉबर्ट डेविड जो पेट्रोलियोनो और मैरी एलन ट्रेलर का द्वारा सहायक भूमिकाओं के साथ प्लिपटन और हुई भी फिल्म के एस्टोरिया ओगरगन में गुन डॉक्स पोडेस में रहने वाले बच्चों का एक समूह अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करता है और ऐसा करने पर उन्हें एक पुराने खजाने का नक्शा मिला जहां उन्होंने खोजने के लिए एक साहित्य साहसिक कार्य पर ले जाया जाता है सत्रह सत्रहवीं सता सदी में प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहित्य साहसिक कार्य के दौरान अपराधियों का एक परिवार उनका पीछा करता है जो अपने लिए खजाना चाहते थे फिल्म के निर्देशक रिचर्ड डोनर है फिल्म की पटकथा के बस है फिल्म की कहानी स्टीफन स्पीलवर्ग है फिल्म को उत्पादित किया गया रिचर्ड डोनर और हार्वे बर्न द्वारा हा अभिनीति है सोन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहन के कोरी फिल्डमैन के कैरी ग्रीन मार्था प्लिस्टन के हुई कवान और एनी रेम से छायांकन है निक मैकलिन का संपादित है माइकल कैहन के संगीत है डेव ग्राशीन के उत्पादन कंपनी एलम्बिन इंटरटेनमेंट वितरित किया गया वार्नर वार्नरबरदस द्वारा रिलीज की तारीख सात जून सन उन्नीस तो सौ पिचासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया था इसका कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का निर्माण इस बिलबर्ग के एवलिंटन एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था और पिक्चर्स वर्नरबर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सात जून सन उन्नीस सौ पिचासी को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था कथानक एस्टोरिया औरगेन को एक गून डॉक्स क्षेत्र में अपने घरों का एक विस्तारित कंट्री क्लब के लिए जब्त किए जाने का सामना करते हुए बच्चों का एक समूह जो खुद को द कहते थे और अंतिम सप्ताहांत के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं वो वॉलसेस की एंट्री में खोजबीन करते हुए उन्होंने सन सोलह सौ का एक डब और पुराना खजाना नक्शा मिला जो पैराणिक समुद्री डाकू वन आई डी विली विली के खजाने तक ले जाता था माना जाता है कि इस वह पास के ही पास में ही कि कहीं स्थित और मिक्की वन आइड्स विली को आ, असली गुनी मानता है खजाने में अपने घरों को बचाने और आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्राउन की हावी हो जाते हैं और उसे बांध देते हैं और तट पर एक प्रत्येक रेस्तरा में खज में जाते हैं जो नक्शे से मेल खाता है ब्राउन जल्द ही एंडी के साथ आ जाता है और चेयर लीडर और उस पर क्राउन है और स्टेफ एंडी का दोस्त है समूह को अत्यंत पता चलता है कि प्रत्येक रेस्तरा फ्रेटली अपराध परिवार का ठिकाना है फ्रांसिस जेक और उनकी माँ गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते हैं और उसका पीछा करते हैं लेकिन चंक पुलिस को संचेत करने के लिए निकल जाता है जब चंक एक मोटर चालक को सेरिफ स्टेशन जाने के लिए रोकता है तो फेरेटेलिस फेरे द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उ, उनके विनाश वर, वर, विकृत छोटे बाइक स्लोत के साथ कैद कर दिया जाता है फ्रेंटेलिस चंक से तब तक पूछताछ करते हैं जब तक कि वह यह नहीं बता देते कि गुंडे कहां गए और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं चंग इस श्लोक को इस पास रह जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है इस श्लोक द्वारा उन दोनों को मुक्त करने के बाद चंक सैरिफ को बुलाता है जो सोचता है कि वह चंक की लंबी कहानियों से में से एक है चंक और इस इस्लोक फ्रेंटिस पथ का अनुसरण करते हैं गुनी सुरंगों के किनारे कई घातक बूबी जालों को बचते हुए जबकि फ्रेंटेलिस को को बमु को बमुश्किल आगे रहते हैं और वे अत्यंत उस कुटी तक पहुंचते हैं जहां विली की विली का समुद्री डाकू जहाज दाहिन फ्रोन लंगर डालते हुए समूह को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है और वे अपनी जेबें भरना शुरू कर देते हैं लेकिन मिकी ने उन्हें विली विली के कंकाल के सामने तराजू से के सेट पर कुछ भी नहीं लेने की चेतावनी दी है मानते हुए कि वह उसके प्रति उनकी श्रद्धांजलि है जैसे ही गुंडे भागने की योजना बना रहे होते हैं तो फ्रेंटेलिस प्रकट होते हैं और उनके उनकी लूट छीन लेते हैं फ्रेंसलिस ने ग्रनीज के हाथों का बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जब तक वह जंग के के इस लौट के नहीं आ जाएंगे और फ्रेंटेलिस को माफी कर देने देर तक से विचलित कर दिया जाता कि गुनीज पानी में कूद सके और सुरक्षा के लिए तैयार फंड एंडी को डूबने से बचाना और वेचुमन करते हैं फ्रेंटलिस्ट विली की तरह जो सहित सभी खजाने को हथियारों के लिए आगे बढ़ाते हैं जिससे इससे एक बूबी ट्रैप शुरू हो जाता है और जिससे कूटी धंस जाती है स्लोथ की मदद से गुनीज और फ्रेंटेलिस मुश्किल में से बच निकलते हैं दो समूह एस्टोरिया और समुद्र तट पर उभरते हैं जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिले मिलते हैं और फ्रेंटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन चंक क्लोस चंक इसलोथ को भी ले जाने से रोकते हैं और इसलोथ को अपने साथ रहने के लिए लियामदी करते हैं जिससे इस स्वीकार कर लेता है और जैसे ही मिक्की के पिता फौजदारी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले होते हैं तो वोसेस की नौकरानी रोसालिटा को पता चलता है कि मिक्की का संगमरमर का बैग उन रत्नों से भरा होता है जो उसने जहाज से मिले थे जिन्हें फ्रेंटेलिस ने जब्त किया था मिकी के पिता ने विजयी होकर कागजात फाड़ दिया और घोषणा की कि उनके पास फौजदारी और नकारने के लिए पर्याप्त है जैसे ही गुंडे अविश्वासी प्रेम के पुरुष को अपने साहसिक कार्य की कहानी सुना रहे होते हैं तो किसी का ध्यान इनफो इन फर्नों की ओर आकर्षित हो गया और कुटी की मुक्त हो गई दूसरी ओर शानदार ढंग से अपना आप निकल रहा था ढालना सोन एस्टीन माइकल्स मिकी वोल्स के रूप में गुनिस के दमा के नेता थे नजर आए थे ब्रेन, ब्रेडन ब्राउन क्लास के रूप में जोस ब्रोलिन एक हाई स्कूल एथलिन और मिकी के बड़े भाई का के भाई और विचारक थे जेफ कोहेन लॉरेंस चंक कोहेन के रूप में गुनिस का एक अनाडी सदस्य और आ, आदतन मिथ्यावादी था कोरी फोरी फेल्डमैन क्लर्क माउथ डेवरा के रूप में एक गुनी उपनाम जी अपनी चु, चु, चुटकली जीव के लिए जाना जाता था और मिका सबसे अच्छा दोस्त था के हुई क्ला रिचर्ड डेटा के रूप में एक जेम्स बॉन्ड्स कट्टरपंथी के और सोकिया गेजेटर गुनी थे एड्रिया थेरेसा एंडी कारमाइकल के रूप में कैरी ग्रीन एक हाई स्कूल टीचर लीडर्स और ब्राउन की प्रेमिका है स्टेफनी स्टेस स्टेव स्टीन ब्रेनर की और टॉम ब्रॉय की एंडी की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में मारथल प्लिम्पटन है मामा माना मामा फ्रेंटलेली के रूप में एनी रेसमे अपने परिवार की तावली मूल की अपराध मुखिया हैं जेक फ्रेंडली के रूप में रॉबर्ट डेवी मामा फ्रेंडली का बेटा एक एक जाल और हाल ही में भागा हुआ भगोड़ा जो पुलिस हिरासत से भागा था जैसे ही फिल्म की शुरुआत में देखा गया था फ्रांसिस फ्रेंडली के रूप में जो पेट्रोलियनों का मामा फ्रेंडली का एक पसंदीदा बेटा जो चश्मा और पीस पहनता है लेटलोटनी स्लोथ फ्रेंडली के रूप में जॉन मार्टूस विकृत जो प्रताप लेकिन बाल हरदिया मामा फ्रेंडली का बेटा जिसके चंक दोस्ती करता है आइसरीन वोल्स मिक्की के ब्रांड की उधम मचाने वाली मां के रूप में मेरी एलन ट्रेनर है गीत की, की वोकल है इसे और इवरिन इनक्लोस मिकी के ब्रांड के पिता और स्थानीय इतिहास संग्रहालय के, के, के क्यूरेटर के रूप में है रोसा लिटा के रूप में ओटीवी ओटवेरोस वोल्स परिवार की मैक्सिन हाउस कीगर जो केवल पे स्पेनिश बोल सकती है और एलिंगिन एलिंगिन पोर्कनस के रूप में एंड सेन ट्रायन जो क्रोड़पति पिता और स्टोरिया के कंट्री क्लब के मालिक जोकुन डॉक्स पर फौजदारी के पीछे हैं ट्रॉयल पार्किंस के रूप में स्टीव एंटिन एलगिन पार्किंस का बिगडेल बेटा जो एडी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्राड का प्रतिद्वंद्वी है शरीफ के रूप में पोल ट्रोरेपे जो जॉर्ज रोबेथम एक जेल प्रहारी के रूप में जो के जे एक की एक नकली आत्महत्या के मूर्ख बना दिया है मिस्टर वांग के रूप में माइकल चेन डाटा डेटा के, के पिता जो जेम्स बॉन्ड के कट्टर के और गैजेट प्रेमी भी हैं निर्देशक रिचर्ड डोना सेरिफ के ओड डिप्टी के रूप में अप्रकाशित केमियो भूमिका निभाते हैं फिल्म के सिनोमेटोग्राफर निक मैकलिन ने भी माउथ के पिता का भूमिका निभाई है मर्थ एफ एजेंट की भूमिका स्टेंटमेंटेड ग्रांसमैन ने निभाई है इसके बाद देखा गया है कि फिल्म का उत्पादन द द गोनिस पर मुख्य फोटोग्राफी बाईस अक्टूबर उन्नीस सौ चौरासी को शुरू हुई और पांच महीने तक चली अतिरिक्त छह सप्ताह तक ऑडियो डिबिंग और रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया था शूटिंग स्क्रिप्ट एक सौ बीस से अधिक पृष्ठों पर लंबी थी जिसमें अंत में अंतिम नाटकीय नाटकीयकरण में कई दृश्यों को काट दिया गया था फिल्म का समापन के दौरान एक ऑक्टोपस का उल्लेख किया गया था जो दृश्य को संदृप्त करता है और अंतिम का कट को हटा दिया गया था द गोनीस मूवी के फैक्टो रिव्यू द गोनीसन उन्नीस 85 की अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो क्रिस कोलम्बस की पटका था और रिचर्ड डोनर द्वारा सहनिर्मित तो और निर्देशित है जो स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानी पर आधारित है इसमें सीन सीन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहेन को और कोरी फेल्डमैन और कैरी के ग्रीन और मार्थक ने अभिनय किया है जॉन मार्टू माटूसज्जक जैनी रॉबर्ट्स रॉबर्ट डेवी जो पेट्रोलियोनो और मैरी एलन ट्रेलर का द्वारा सहायक भूमिकाओं के साथ पिलिम्पटन और हुई क्लगबी फिल्म के एस्टोरिया ओग्रगन में गुन डॉग्स स्पोडेस में रहने वाले बच्चों का एक समूह अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करता है और ऐसा करने पर उन्हें एक पुराने खजाने का नक्शा मिला जहां उन्होंने खोजने के लिए एक साहित्य साहसिक कार्य पर ले जाया जाता है सत्रहवीं सदी में प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान अपराधियों पर एक परिवार उनका पीछा करता है जो अपने लिए खजाना चाहते थे फिल्म के निर्देशक रिचर्ड डोनर है फिल्म की पटकथा के बस है फिल्म की कहानी स्टीफन स्पीलवर्ग है फिल्म को उत्पादित किया गया रिचर्ड डोनर और हार्वे बर्न हार द्वारा अभिनीति है सोन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहन के कोरी फील्डमैन कैरी के, ग्रीन मार्था प्लिपटन के हुई कवान और एनी से छायांकन है निक मैकलिन का संपादित है माइकल कहन के संगीत है डेव डेवग्रॉशीन के उत्पादन कंपनी एलम्बिन इंटरटेनमेंट वितरित किया गया वार्नर बरदस द्वारा रिलीज की तारीख सात जून सन उन्नीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया था इसका कार्यक्रम एक मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का निर्माण इस बिलबर्ग के एवलिंटन इंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था और वर्नर बरदस पिक्चर संयुक्त द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन उन्नीस को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था कथानक एस्टोरिया औरगेन को एक गुण डॉक्स क्षेत्र में अपने घरों का एक विस्तारित कंट्री क्लब के लिए जब्त किए जाने का सामना करते हुए बच्चों का एक समूह जो खुद को कहते थे और अंतिम सप्ताहांत के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं वो वॉलसेस की एंट्री में खोजबीन करते हुए उन्होंने सन सोलह सौ सो बत्तीस का एक डब डबलून और पुराना खजाना नक्शा मिला जो पैराणिक समुद्री डाकू वन आई डी विली विली के खजाने तक ले जाता था माना जाता है कि इस वह पास के ही पास में ही कि कहीं स्थित और मिकी वन आइड्स विली को आ, असली गुनी मानता है खजाने में अपने घरों को बचाने और आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्राउन की हावी हो जाते हैं और उसे बांध देते हैं तट पर एक प्रत्येक रेस्तरा में खज में जाते हैं जो नक्शे से मेल खाता है ब्राउन जल्द ही एंडी के साथ आ जाता है और चेयर लीडर और उस पर क्राउन है और स्टेफ एंडी का दोस्त है समूह को अत्यंत पता चलता है कि प्रत्येक रेस्तरा फ्रेटली अपराध परिवार का ठिकाना है फ्रांसिस जेक और उनकी माँ गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते हैं और उसका पीछा करते हैं लेकिन चंक पुलिस को संचेत करने के लिए निकल जाता है जब चंक एक मोटर चालक को सेरिफ स्टेशन जाने के लिए रोकता है तो फेरेटेलिस फेरे द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उ, उनके विनाश वर, वर, विकृत छोटे भाई इसलोत के साथ कैद कर दिया जाता है फ्रेंटेलिस चंक से तब तक पूछताछ करते हैं जब तक कि वह यह नहीं बता देते कि गुंडे कहां गए और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं चंग इस श्लोक को इस पास रह जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है इस श्लोक द्वारा उन दोनों को मुक्त करने के बाद चंक सैरिफ को बुलाता है जो सोचता है कि वह चंक की लंबी कहानियों से में से एक है चंक और इस्लोक इस फ्रेंटिस की पथ का अनुसरण करते हैं गुनी सुरंगों के किनारे कई घातक बूबी जालों को बचते हुए जबकि फ्रेंटेलिस को को बमु, को बमुश्किल आगे रहते हैं और वे अत्यंत उस कुटी तक पहुंचते हैं जहां विली की विली का समुद्री डाकू जहाज फ्रोन लंगर डालते हुए समूह को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है और वे अपनी जेबें भरना शुरू कर देते हैं लेकिन मिकी ने उन्हें विली विली के कंकाल के सामने तराजू सेट के सेट पर कुछ भी नहीं लेने की चेतावनी दी है मानते हुए कि वह उसके प्रति उनकी श्रद्धांजलि है जैसे ही गुंडे भागने की योजना बना रहे होते हैं तो फ्रेंटेलिस प्रकट होते हैं और उनके उनकी लूट छीन लेते हैं फ्रेंसेलिस ने ग्रीज के हाथों का बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जब तक वह इन जंग के के इसलोत के नहीं आ जाएंगे और फ्रेंटलिस को माफी कर देने देर तक से विचलित कर दिया जाता कि गुनीज पानी में कूद सके और सुरक्षा के लिए तैयार फंडे फ्रांड एंडी को डूबने से बचाना और वेचुमन करते हैं फ्रेंटलिस विली की जो सहित सभी खजाने को हथियारों के लिए आगे बढ़ाते हैं जिससे इससे एक बूबी ट्रैप शुरू हो जाता है और जिससे कूटी धंस जाती है और इसलोत की मदद से गनीज और फ्रेंटेलिस मुश्किल में से बच निकलते हैं दो समूह एस्टोरिया और समुद्र तट पर उभरते हैं जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिले मिलते हैं और फ्रेंटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन चंक क्लोस चंक इसलोथ को भी ले जाने से रोकते हैं और वे इसे इसलोथ को अपने साथ रहने के लिए लियामदी करते हैं जिससे इसलोथ स्वीकार कर लेता है और जैसे ही मिक्की के पिता फौजदारी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले होते हैं तो वोसेस की नौकरानी रोसालिटा को पता चलता है कि मिक्की का संगमरमर का बैग उन रत्नों से भरा होता है जो उसने जहाज से मिले थे जिन्हें फ्रेंटेलिस ने जब्त किया था मिक्की के पिता ने विजयी होकर कागजात फाड़ दिया और घोषणा की कि उनके पास फौजदारी और नकारने के लिए पर्याप्त है जैसे ही गुंडे अविश्वासी प्रेम के पुलिस को अपने साहसिक कार्य की कहानी सुना रहे होते हैं तो किसी का ध्यान इनफो इन की ओर आकर्षित हो गया और कुटी की मुक्त हो गई दूसरी ओर शानदार ढंग से अपना आप निकल रहा था ढालना सोन एस्टीन माइकल्स मिकी वोल्स के रूप में गुनिस के दमा के नेता थे नजर आए थे ब्रेन, ब्रेडन ब्राउन क्लास के रूप में जोस ब्रोलिन एक हाई स्कूल एथलिन और मिकी के बड़े भाई का वि, के भाई और विचारक थे जेफ कोहेन लॉरेंस चंक कोहेन के रूप में गुनिस का एक अनाडी पेटू सदस्य और आ, मिथ्यावादी था कोरी फोरी फेल्डमैन क्लर्क माउथ डेवरा के रूप में एक गुनी उपनाम जी अपनी चु, चुटुकली जीप के लिए जाना जाता था और मिकेगा सबसे अच्छा दोस्त था के हुई क्ला रिचर्ड डेटा रूप में एक जेम्स बॉन्ड्स कट्टरपंथी के और सोकिया गेजेटर गुनी थे एड्रिया थेरेसा एंडी कारमाइकल के रूप में कैरी ग्रीन एक हाई स्कूल टीचर लीडर्स और ब्राउन की प्रेमिका है स्टेफनी स्टेस स्टेव स्टीन ब्रेनर की और टॉम ब्रॉय की एंडी की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में मार्था प्लिम्पटन है मामा माना मामा फ्रेंटलेली के रूप में एनी रेसमे अपने परिवार की तावली मूल की अपराधा मुखिया है जेक फ्रेंडली के रूप में रॉबर्ट डेवी मामा फ्रेंडली का बेटा एक एक जाल साहस और हाल ही में भागा हुआ भगोड़ा जो पुलिस हिरासत से भागा था जैसे ही फिल्म की शुरुआत में देखा गया था फ्रांसिस फ्रेंडली के रूप में जो पेट्रोलियनों का मामा फ्रेंडली का एक पसंदीदा बेटा जो चश्मा और पीस पहनता है लेटलोटनी स्लोथ फ्रेंडली के रूप में जॉन मार्टूस विकृत जो प्रताप लेकिन बाल हृदिया मामा फ्रेंडली का बेटा जिसके चंक दोस्ती करता है आइसरीन वोल्स मिक्की के ब्रांड की उद्यम मचाने वाली मां के रूप में मेरी एलन ट्रेनर है कि की कित की वोकल इसे और इवरिन इनक्लोस मिकी के ब्रांड के पिता और स्थानीय इतिहास संग्रहालय के, के, के क्यूरेटर के रूप में है रोसा लिटा के रूप में ओटीवी ओटवेरोस वोल्स परिवार की मैक्सिन हाउस कीगर जो केवल पे स्पेनिश बोल सकती है और एलिंगिन एलिंगिन पॉर्कनस के रूप में एंड सेन ट्रायल जो क्रोड़पति पिता और स्टोरिया कंट्री क्लब के मालिक जो डॉग्स पर फौजदारी के पीछे हैं ट्रोयल फॉर पार्किंस के रूप में स्टीव एंटिन एलगिन पार्किंस का बिगडेल बेटा जो एडी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्राड का प्रतिद्वंदी है शरीफ के रूप में पोल ट्रूरिपे जो जॉर्ज रोबेथम एक जेल प्रहारी के रूप में जो के जे एक की एक नकली आत्महत्या के मूर्ख बना दिया है मिस्टर वांग के रूप में माइकल चेन डाटा डेटा के, के पिता जो जेम्स बॉन्ड्स के कट्टर के और गैजेट प्रेमी भी हैं निर्देशक रिचर्ड डोना सेरिफ के और डिप्टी के रूप में अप्रकाशित केमियो भूमिका निभाते हैं फिल्म के सिनेमेटोग्राफर निक मैकलिन ने भी माउथ के पिता का भूमिका निभाई है मर्थ एफ एजेंट की भूमिका टेड ग्रांसमैन ने निभाई है इसके बाद देखा गया है कि फिल्म का उत्पादन द गेन द गोनिस पर मुख्य फोटोग्राफी बाईस अक्टूबर सन उन्नीस को शुरू हुई और पांच महीने तक चली अतिरिक्त छह सप्ताह तक ऑडियो डिबिंग और रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया था शूटिंग स्क्रिप्ट 120 से अधिक पृष्ठों पर लंबी थी जिसमें अंत में अंतिम नाटकीय स्करण में कई दृश्यों को काट दिया गया था फिल्म का समापन के दौरान एक ऑक्टोपस का उल्लेख किया गया था जो दृश्य को संदृप्त करता है और अंतिम का कट को हटा दिया गया था द गोनीस मूवी के फैक्टो रिव्यू द गोनीसन उन्नीस सौ पिचासी की अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो क्रिस कोलम्बस की पटका था और रिचर्ड डोनर द्वारा सहनिर्मित तो और निर्देशित है जो स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानी पर आधारित है इसमें सीन सीन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहेन को और कोरी फेल्डमैन और कैरी के ग्रीन और मार्थक ने अभिनय किया है जॉन मार्टू सज्जक जैनी रॉबर्ट्स रॉबर्ट डेवी जो पेट्रोलियोनो और मैरी एलन ट्रेलर का द्वारा सहायक भूमिकाओं के साथ प्लिप्टन और हुई भी फिल्म के एसटोरिया ओगरगन में गून डॉक्स पोडेस में रहने वाले बच्चों का एक समूह अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करता है और ऐसा करने पर उन्हें एक पुराने खजाने का नक्शा मिला जहां उन्होंने खोजने के लिए एक साहित्य साहसिक कार्य पर ले जाया जाता है सत्रहवीं सत्र में प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहित्य साहसिक कार्य के दौरान अपराधियों एक परिवार उनका पीछा करता है जो अपने लिए खजाना चाहते थे फिल्म के निर्देशक रिचर्ड डोनर है फिल्म की पटकथा के बस है फिल्म की कहानी स्टीफन स्पीलवर्ग है फिल्म को उत्पादित किया गया रिचर्ड डोनर और हार्वे बन हार द्वारा अभिनीति है सोन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहन के कोरी फिल्डमैन के कैरी ग्रीन मार्था पिलिम्पटन के हुई कवान और एनी रेम्स छायांकन है निक मैकलिन का संपादित है माइकल कहन के संगीत है डेव ग्राशीन के उत्पादन कंपनी एलम्बिन इंटरटेनमेंट वितरित किया गया वार्नर बर्दस द्वारा रिलीज की तारीख सात जून सन उन्नीस सौ पिचासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया था इसका कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का निर्माण इस बिल्बर्ग के एवलिंटन एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था और वर्नरबर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सात जून सन उन्नीस सौ पिचासी को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था कथानक एस्टोरिया औरगेन को एक गुण डॉक्स क्षेत्र में अपने घरों का एक विस्तारित कंट्री क्लब के लिए जब्त किए जाने का सामना करते हुए बच्चों का एक समूह जो खुद को द गोनिस कहते थे और अंतिम सप्ताहांत के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं वो वॉल्स की एंट्री में खोजबीन करते हुए उन्होंने सन सोलह सो का एक डबू और पुराना खजाना नक्शा मिला जो पैराणिक समुद्री डाकू वन आई डी विली विली के खजाने तक ले जाता था माना जाता है कि इस वह पास के ही पास में ही कि कहीं स्थित और मिकी वन आइड्स विली को आ, असली गुनी मानता है खजाने में अपने घरों को बचाने और आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्राउन की हावी हो जाते हैं और उसे बांध देते हैं तट पर एक प्रत्येक रेस्तरा में खज में जाते हैं जो नक्शे से मेल खाता है ब्राउन जल्द ही एंडी के साथ आ जाता है और चेयर लीडर और उस पर क्राउन है और स्टेफ एंडी का दोस्त है समूह को अत्यंत पता चलता है कि प्रत्येक रेस्तरा फ्रेटली अपराध परिवार का ठिकाना है फ्रांसिस जेक और उनकी माँ गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते हैं और उसका पीछा करते हैं लेकिन चंक पुलिस को संचेत करने के लिए निकल जाता है जब चंक एक मोटर चालक को सिर्फ स्टेशन जाने के लिए रोकता है तो फेरेटेलिस फेरे द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उ, उ, उनके विनाश वनाश वर, विकृत छोटे बाइक स्लोत के साथ कैद कर दिया जाता है फ्रेंटेलिस चंक से तब तक पूछताछ करते हैं जब तक कि वह यह नहीं बता देते कि गुंडे कहां गए और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं चंग श्लोक को इस पास रह जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है इस श्लोक द्वारा उन दोनों को मुक्त करने के बाद चंक सैरिफ को बुलाता है जो सोचता है कि वह चंक की लंबी कहानियों से में से एक है चंक और स्लोक इस इस फ्रेंटिस पथ का अनुसरण करते हैं गुनी सुरंगों के किनारे कई घातक बूबी जालों को बचते हुए जबकि फ्रेंटेलिस को को बमु, को बमुश्किल आगे रहते हैं और वे उस कुटी तक पहुंचते हैं जहां विली की विली का समुद्री डाकू जहाज लंगर डालते हुए समूह को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है और वे अपनी जेबें भरना शुरू कर देते हैं लेकिन मिकी ने उन्हें विली विली के कंकाल के सामने तराजू सेट, सेट पर कुछ भी नहीं लेने की चेतावनी दी है मानते हुए कि वह उसके प्रति उनकी श्रद्धांजलि है जैसे ही गुंडे भागने की योजना बना रहे होते हैं तो फ्रेंटेलिस प्रकट होते हैं और उनके उनकी लूट छीन लेते हैं फ्रेंसेलिस ने गनीज के हाथों का बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जब तक वह इन जंग के के स्लोत के नहीं आ जाएंगे और फ्रेंटलिस को माफी कर देने देर तक से विचलित कर दिया जाता कि गुनीज पानी में कूद सके और सुरक्षा के लिए तैयार फंडे ब्रांड एंडी को डूबने से बचाना और वेचुमन करते हैं फ्रेंटलिस विली की तरह जो सहित सभी खजाने को हथियारों के लिए आगे बढ़ाते हैं जिससे इससे एक बूबी ट्रैप शुरू हो जाता है और जिससे कूटी धंस जाती है और इसलोथ की मदद से गुनीज और फ्रेंटलिस मुश्किल में से बच निकलते हैं दो समूह एस्टोरिया और समुद्र तट पर उभरते हैं जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिले मिलते हैं और फ्रेंटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन चंक क्लोस चंक इसलोथ को भी ले जाने से रोकते हैं और इसलोथ को अपने साथ रहने के लिए आमदी करते हैं जिससे इसलोथ स्वीकार कर लेता है और जैसे ही मिक्की के पिता फौजदारी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले होते हैं तो वोसेस की नौकरानी रोसालिटा को पता चलता है कि मिक्की का संगमरमर का बैग उन रत्नों से भरा होता है जो उसने जहाज से मिले थे जिन्हें फ्रेंटेलिस ने जब्त किया था मिकी के पिता ने विजयी होकर कागजात फाड़ दिया और घोषणा की कि उनके पास फौजदारी और नकारने के लिए पर्याप्त है जैसे ही गुंडे अविश्वासी प्रेम के पुलिस को अपने साहसिक कार्य की कहानी सुना रहे होते हैं तो किसी का ध्यान इन फरणों की ओर आकर्षित हो गया और कुटी की मुक्त हो गई दूसरी ओर शानदार ढंग से अपना आप निकल रहा था सोन ब्रेडन ब्राउन क्लास के रूप में जोस ब्रोलिन एक हाई स्कूल एथलिन और मिकी के बड़े भाई का के भाई और विचारक थे जेफ कोहेन लॉरेंस चंक कोहेन के रूप में गुनीस का एक अनाडी पेटू सदस्य और आ, आदतन मिथ्यावादी था कोरी फोल, फोरी फेल्डमैन क्लर्क माउथ डेवरा के रूप में एक गुणी उपनाम जी अपनी चु, चुटुगली जीप के लिए जाना जाता था और मिका सबसे अच्छा क्ला रिचर्ड डेटा रूप में एक जेम्स बॉन्ड्स कट्टरपंथी के और सोकिया गेजेट्रियर गुनी थे एड्रिया थेरेसा एंडी कारमाइकल के रूप में कैरी ग्रीन एक हाई स्कूल टीचर लीडर्स और ब्राउन की प्रेमिका है स्टेफनी स्टेस स्टेव स्टीन ब्रेनर की और टॉम ब्रॉय की एंडी की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में मारथल प्लिम्पटन है मामा माना मामा फ्रेंटलेली के रूप में एनी रेस में अपने परिवार की तावली मूल की अपराधा मुखिया हैं जेक फ्रेंटली के रूप में रॉबर्ट डेवी मामा फ्रेंटली का बेटा एक एक जाल साहस और हाल ही में भागा हुआ भगोड़ा जो पुलिस हिरासत से भागा था जैसे ही फिल्म की शुरुआत में देखा गया था फ्रांसिस फ्रेंडली के रूप में जो पेट्रोलियनो का मामा फ्रेंडली का एक पसंदीदा बेटा जो चश्मा और हेयर पीस पहनता है लेलोटनी स्लोथ फ्रेंडली के रूप में जॉन मार्टूस विकृत जो प्रताप लेकिन बाल हरदिया मामा फ्रेंडली का बेटा जिसके चंक दोस्ती करता है आइसरीन वोल्स मिक्की के ब्रांड की उधम मचाने वाली मां के रूप में मेरी एलन ट्रेनर है कि की, कित वोकल इसे और इवरिन इनक्लोस मिकी के ब्रांड के पिता और स्थानीय इतिहास संग्रहालय के क्यूरेटर के, के रूप में है रोसा लिटा के रूप में ल्यू ओटवेरोस वोस परिवार की मैक्सिन हाउस कीगर जो केवल पे स्पेनिश बोल सकती है और एलिंगिन एलिंगिन पॉर्कनस के रूप में एंड सेन ट्रायल जो क्रोड़पति पिता और स्टोरिया के कंट्री क्लब के मालिक जोकुन डॉक्स पर फौजदारी के पीछे हैं ट्रोयल फॉर पार्किंस के रूप में स्टीव एंटिन एलगिन पार्किंस का बिगडेल बेटा जो एडी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्राड का प्रतिद्वंदी है शरीफ के रूप में पोल ट्रूरपे जो जॉर्ज रोबेथम एक जेल प्रहारी के रूप में जो के जे एक की एक नकली आत्महत्या के मूर्ख बना दिया है मिस्टर वांग के रूप में माइकल चेन डाटा डेटा के, के पिता जो जेम्स बॉन्ड्स के कट्टर के और गैजेट प्रेमी भी हैं निर्देशक रिचर्ड डोना सेरिफ के और डिप्टी के रूप में अप्रकाशित केमियों भूमिका निभाते हैं फिल्म के सिनेमेटोग्राफर निक मैकलिन ने भी माउथ के पिता का भूमिका निभाई है मर्द एफ एजेंट की भूमिका स्टंटमैन टेड ग्रांसमैन ने निभाई है इसके बाद देखा गया है कि फिल्म का उत्पादन द गेन द गोनिस फोटोग्राफी बाईस अक्टूबर चौरासी को शुरू हुई और पांच महीने तक चली अतिरिक्त छह सप्ताह तक ऑडियो डिबिंग और रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया था शूटिंग स्क्रिप्ट एक सौ बीस से अधिक पृष्ठों पर लंबी थी जिसमें अंत में अंतिम नाटकीय संकरण में कई दृश्यों को काट दिया गया था फिल्म का समापन के दौरान एक ऑक्टोपस का उल्लेख किया गया था जो दृश्य को संदृप्त करता है और अंतिम का कट को हटा दिया गया था द गोनीस मूवी के फैक्टो रिव्यू द गोनीसन उन्नीस सौ पिचासी की अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो क्रिस कोलंबस की पटका था और रिचर्ड डोनर द्वारा सहनिर्मित तो और निर्देशित है जो स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानी पर आधारित है इसमें सीन सीन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहेन को और कोरी फेल्डमैन और कैरी के ग्रीन और मार्थक ने अभिनय किया है जॉन मार्टू माटूसज्जक जेनी रॉबर्ट्स और रॉबर्ट डेवी जो पेट्रोलियोनो और मैरी एलन ट्रेलर का द्वारा सहायक भूमिकाओं के साथ प्लिपटन और हुई क्लगबी फिल्म के एस्टोरिया और में गून डॉक्स प्रोडेस में रहने वाले बच्चों का एक समूह अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करता है और ऐसा करने पर उन्हें एक पुराने खजाने का नक्शा मिला जहां उन्होंने खोजने के लिए एक साहित्य साहसिक कार्य पर ले जाया जाता है सत्रहवीं में प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहित्य साहसिक कार्य के दौरान अपराधियों का एक परिवार उनका पीछा करता है जो अपने लिए खजाना चाहते थे फिल्म के निर्देशक रिचर्ड डोनर है फिल्म की पटकथा के बस है फिल्म की कहानी स्टीफन स्पीलवर्ग है फिल्म को उत्पादित किया गया रिचर्ड डोनर और हार्वे बर्न हार द्वारा अभिनीति है सोन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहन के कोरी फील्डमैन के कैरी ग्रीन मार्था पिलिम्पटन के हुई कवान और एनी रेम्से छायांकन है निक मैकलिन का संपादित है माइकल कहन के संगीत है डेव डेवग्राशीन के उत्पादन कंपनी एलम्बिन इंटरटेनमेंट वितरित किया गया वार्नर वार्नरबरदस द्वारा रिलीज़ की तारीख सात जून सन उन्नीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया था इसका कार्यक्रम एक मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का निर्माण इस विलबर्ग के एन एबलिंटन इंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था और वार्नरबर दस पिक्चर्स संयुक्त द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन उन्नीस को नाटकीय रूप में रिलीज़ किया गया था कथानक एस्टोरिया ऑर्गेन को एक गुण डॉक्स क्षेत्र में अपने घरों का एक विस्तारित कंट्री क्लब के लिए जब्त किए जाने का सामना करते हुए बच्चों का एक समूह जो खुद को कहते थे और अंतिम सप्ताहांत के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं वो वो वॉल्स की एंट्री में खोजबीन करते हुए उन्होंने सन सोलह सो का एक डबू और पुराना खजाना नक्शा मिला जो पैराणिक समुद्री डाकू वन आईडी विली विली के खजाने तक ले जाता था माना जाता है कि इस वह पास के ही पास में ही कि कहीं स्थित और मिकी वन आइड्स विली को आ, असली गुनी मानता है खजाने में अपने घरों को बचाने और आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्राउन की हावी हो जाते हैं और उसे बांध देते हैं तट पर एक प्रत्येक रेस्तरा में खज में जाते हैं जो नक्शे से मेल खाता है ब्राउन जल्द ही एंडी के साथ आ जाता है और चेयर लीडर और उस पर क्राउन है और स्टेफ एंडी का दोस्त है समूह को अत्यंत पता चलता है कि प्रत्येक रेस्तरा फ्रेटली अपराध परिवार का ठिकाना है फ्रांसिस जेक और उनकी माँ गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते हैं और उसका पीछा करते हैं लेकिन चंक पुलिस को संचेत करने के लिए निकल जाता है जब चंक एक मोटर चालक को सेरिफ स्टेशन जाने के लिए रोकता है तो फेरेटेलिस फेरे द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उ, उ, उनके विनाश वनाश विकृत छोटे बाइक स्लौद के साथ कैद कर दिया जाता है फरेंटेलिस चंक से तब तक पूछताछ करते हैं जब तक कि वह यह नहीं बता देते कि गुंडे कहां गए और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं चंग इस इस्लोक को इस पास रह जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है इस श्लोक द्वारा उन दोनों को मुक्त करने के बाद चंक सैरिफ को बुलाता है जो सोचता है कि वह चंक की लंबी कहानियों से में से एक है चंक और इस्लोथ इस फ्रेंटिस पथ का अनुसरण करते हैं गुनी सुरंगों के किनारे कई घातक बूबी जालों को बचते हुए जबकि फ्रेंटेलिस को को बम को बमुश्किल आगे रहते हैं और वे अत्यंत उस कुटी तक पहुंचते हैं जहां विली की विली का समुद्री डाकू जहाज दाईं फ्रों लंगर डालते हुए समूह को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है और वे अपनी जेबें भरना शुरू कर देते हैं लेकिन मिकी ने उन्हें कि विली विली के कंकाल के सामने तराजू से के सेट पर कुछ भी नहीं लेने की चेतावनी दी है मानते हुए कि वह उसके प्रति उनकी श्रद्धांजलि है जैसे ही गुंडे भागने की योजना बना रहे होते हैं तो फ्रेंटेलिस प्रकट होते हैं और उनके उनकी लूट छीन लेते हैं फ्रेंसिलिस ने ग्रनीज के हाथों का बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जब तक वह जंग के के इस लौट के नहीं आ जाएंगे और फ्रेंटेलिस को माफी कर देने देर तक से विचलित कर दिया जाता कि गुनीस पानी में कूद सके और सुरक्षा के लिए तैयार फंडे ब्रांड एंडी को डूबने से बचाना और वे चुमन करते हैं फ्रेंटलिस विली की तरह जो सहित सभी खजाने को हथियारों के लिए आगे बढ़ाते हैं जिससे इससे एक बूबी ट्रैप शुरू हो जाता है और जिससे कूटी धंस जाती है और स्लोथ की मदद से गुनीज और फ्रेंटलिस मुश्किल में से बच निकलते हैं दो समूह एस्टोरिया और समुद्र तट पर उभरते हैं जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिले मिलते हैं और फ्रेंटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन चंक क्लोस चंक इसलोथ को भी ले जाने से रोकते हैं और वे इसे इसलोथ को अपने साथ रहने के लिए आमदी करते हैं जिससे इसलोथ स्वीकार कर लेता है और जैसे ही मिक्की के पिता फौजदारी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले होते हैं तो वोल्स की नौकरानी रोसालिटा को पता चलता है कि मिकी का संगमरमर का बैग उन रत्नों से भरा होता है जो उसने जहाज से मिले थे जिन्हें फ्रेंटेलिस ने जब्त किया था मिकी के पिता ने विजय होकर कागजात फाड़ दिया और घोषणा की कि उनके पास फौजदारी और नकारने के लिए पर्याप्त है जैसे ही गुंडे विश्वासी प्रेम के पुरुष को अपने साहसिक कार्य की कहानी सुना रहे होते हैं तो किसी का ध्यान इन इन फर्नों की ओर आकर्षित हो गया और कुटी की मुक्त हो गई दूसरी और दूसरी ओर शानदार ढंग से अपना आप निकल रहा था ढालना सोन एस्टिन माइकल्स मिकी वॉल्स के रूप में गुनिस के दमा के नेता थे नजर आए थे ब्रेन ब्रेडन ब्राउन क्लास के रूप में जोस ब्रोलिन एक हाई स्कूल एथलीन और मिकी के बड़े भाई का, के भाई और विचारक थे जेफ कोहेन लॉरेंस चंक कोहेन के रूप में गुनिस का एक अनाडी सदस्य और आ, आदतन मिथ्यावादी था कोरी फोल, फोरी फेल्डमैन क्लर्क माउथ डेवरा के रूप में एक गुनी उपनाम जी अपनी चु, चुटुकली जीप के लिए जाना जाता था और मिकेगा सबसे अच्छा दोस्त था के हुई रिचर्ड डेटा के रूप में एक जेम्स बॉन्स कट्टरपंथी के और सोकिया गेजेट्रिय गुनी थे एड्रिया थेरेसा एंडी कारमाइकल के रूप में कैरी ग्रीन एक हाई स्कूल टीचर लीडर्स और ब्राउन की प्रेमिका है स्टेफनी स्टेस स्टेव स्टीन ब्रेनर की और टॉम ब्रॉय की एंडी की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में मार्थल प्लिम्पटन है मामा माना, मामा फ्रेंटलेली के रूप में एनी रेस में अपने परिवार की तावली मूल की अपराधा मुखिया है जेक फ्रेंटली के रूप में रॉबर्ट डेवी मामा फ्रेंटली का बेटा एक एक जाल साहस और हाल ही में भागा हुआ भगोड़ा जो पुलिस हिरासत से भागा था जैसे ही फिल्म की शुरुआत में देखा गया था फ्रांसिस फ्रेंडली के रूप में जो पेट्रोलियनों का मामा फ्रेंडली का एक पसंदीदा बेटा जो चश्मा और हेयर पीस पहनता है लेलोटनी स्लोथ फ्रेंडली के रूप में जॉन मार्टूस विकृत जो प्रताप लेकिन बाल हृदय मामा फ्रेंडली का बेटा जिसके चंक दोस्ती करता है आइसरीन वोल्स मिक्की के ब्रांड की उधम मचाने वाली मां के रूप में मेरी ट्रेनर है कि की, कित वोकल इसे और इवरिन इनक्लोस मिकी के ब्रांड के पिता और स्थानीय इतिहास संग्रहालय के क्यूरेटर के, के रूप में है रोसा लिटा के रूप में ओटीवी ओटवेरोस वोल्स परिवार की मैक्सिन हाउस कीगर जो केवल पर स्पेनिश बोल सकती है और एलिंगिन एलिंगिन पॉर्कनस के रूप में एंड एनसेन ट्रायल जो क्रोडपति पिता और स्टोरिया के कंट्री क्लब के मालिक जोकुन पर फौजदारी के पीछे हैं ट्रॉयल फॉर पार्किंस के रूप में स्टीव एंटिन एलगिन पार्किंस का बिगडेल बेटा जो एडी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्राड का प्रतिद्वंदी है शरीफ के रूप में पोल ट्रोरेपे जो जॉर्ज रोबेथम एक जेल प्रहारी के रूप में जो के जे एक की एक नकली आत्महत्या के मूर्ख बना दिया है मिस्टर वांग के रूप में माइकल चेन डाटा डेटा के, के पिता जो जेम्स बॉन्ड के कट्टर के और गैजेट प्रेमी भी हैं निर्देशक रिचर्ड डोना सेरिफ के और डिप्टी के रूप में अप्रकाशित केमियों भूमिका निभाते हैं फिल्म के सिनोमेटोग्राफर निक मैकलिन ने भी माउथ के पिता का भूमिका निभाई है मर्थ एफ एजेंट की भूमिका स्टंटमैन टेड ग्रांसमैन ने निभाई है इसके बाद देखा गया है कि फिल्म का उत्पादन द द गोनिस और फोटोग्राफी बाईस अक्टूबर चौरासी को शुरू हुई और पांच महीने तक तक चली अतिरिक्त सप्ताह ऑडियो और रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया था शूटिंग स्क्रिप्ट एक सौ बीस से अधिक पृष्ठों पर लंबी थी जिसमें अंत में अंतिम नाटकीय नाटकीयकरण में कई दृश्यों को काट दिया गया था फिल्म का समापन के दौरान एक ऑक्टोपस का उल्लेख किया गया था जो दृश्य को संदृप्त करता है और अंतिम का कट को हटा दिया गया था द गोनीस मूवी के फैक्टोर रिव्यू द गोनीस सन उन्नीस सौ पिचासी की अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो क्रिस कोलंबस की पटका था और रिचर्ड डोनर द्वारा सहनिर्मित तो और निर्देशित है जो स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानी पर आधारित है इसमें सीन सीन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहेन को और कोरी फेल्डमैन और कैरी के ग्रीन और मार्थक ने अभिनय किया है जॉन मार्टू माटूसज्जक जेनी रॉबर्ट्स और रॉबर्ट डेवी जो पैट्रोलियोनो और मैरी एलन ट्रेलर का द्वारा सहायक भूमिकाओं के साथ प्लिपटन और हुई क्लगबी फिल्म के एसटोरिया ओग्र में गून डॉक्स प्रोडेस में रहने वाले बच्चों का एक समूह अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करता है और ऐसा करने पर उन्हें एक पुराने खजाने का नक्शा मिला जहां उन्होंने खोजने के लिए एक साहित्य साहसिक कार्य पर ले जाया जाता है सत्रहवीं सत्र में प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहित्य साहसिक कार्य के दौरान अपराधियों पर एक परिवार उनका पीछा करता है जो अपने लिए खजाना चाहते थे फिल्म के निर्देशक रिचर्ड डोनर है फिल्म की पटकथा के बस है फिल्म की कहानी स्टीफन स्पीलवर्ग है फिल्म को उत्पादित किया गया रिचर्ड डोनर और हार्वे बन हार द्वारा अभिनति है सोन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहन के कोरी फील्डमैन के कैरी ग्रीन मार्था पिलिम्पस्टन के हुई कमान और एनी रेम्से छायांकन है निक मैकलिन का संपादित है माइकल कहन के संगीत है डेव डेवग्राशिंग के उत्पादन कंपनी एलम्बिन इंटरटेनमेंट वितरित किया गया वार्नर वर्नरबरदस द्वारा रिलीज़ की तारीख सात जून सन उन्नीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इसका कार्यक्रम एक मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का निर्माण इस विलबर्ग के एन एवलिंटन इंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था और वार्नरबरदस पिक्चर्स संयुक्त द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन उन्नीस को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था कथानक एस्टोरिया ऑर्गेन को एक गुण डॉक्स क्षेत्र में अपने घरों का एक विस्तारित कंट्री क्लब के लिए जब्त किए जाने का सामना करते हुए बच्चों का एक समूह जो खुद को कहते थे और अंतिम सप्ताहांत के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं वो वॉलसेस की एंट्री में खोजबीन करते हुए उन्होंने सन सोलह सो का एक डबू डब्लू और पुराना खजाना नक्शा मिला जो पैराणिक समुद्री डाकू वन आई विली विली के खजाने तक ले जाता था माना जाता है कि इस वह पास के ही पास में ही कि कहीं स्थित और मिकी वन आइड्स विली को आ, असली गुनी मानता है खजाने में अपने घरों को बचाने और आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्राउन की हावी हो जाते हैं और उसे बांध देते हैं तट पर एक प्रत्येक रेस्तरा में खज में जाते हैं जो नक्शे से मेल खाता है ब्राउन जल्द ही एंडी के साथ आ जाता है और चेयर लीडर और उस पर क्राउन है और स्टेफ एंडी का दोस्त है समूह को अत्यंत पता चलता है कि प्रत्येक रेस्तरा फ्रेटली अपराध परिवार का ठिकाना है फ्रांसिस जेक और उनकी माँ गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते हैं और उसका पीछा करते हैं लेकिन चंक पुलिस को संचेत करने के लिए निकल जाता है जब चंक एक मोटर चालक को सिर्फ स्टेशन जाने के लिए रोकता है तो फेर, फेरेटेलिस द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उ, उ, उनके विनाश वनाश विकृत छोटे बाइक स्लौद के साथ कैद कर दिया जाता है फरेन्टेलिस चंक से तब तक पूछताछ करते हैं जब तक कि वह यह नहीं बता देते कि गुंडे कहां गए और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं चंग श्लोक को इस पास रह जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है इस श्लोक द्वारा उन दोनों को मुक्त करने के बाद चंक सैरिफ को बुलाता है जो सोचता है कि वह चंक की लंबी कहानियों से में से एक है चंक और इस इसलोथ फ्रेंटिस पथ का अनुसरण करते हैं गुनी सुरंगों के किनारे कई घातक बूबी जालों को बचते हुए जबकि फ्रेंटेलिस को को बमु, को बमुश्किल आगे रहते हैं और वे अत्यंत उस कुटी तक पहुंचते हैं जहां विली की विली का समुद्री डाकू जहाज लंगर डालते हुए समूह को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है और वे अपनी जेबें भरना शुरू कर देते हैं लेकिन मिकी ने उन्हें विली, विली के कंकाल के सामने तराजू सेट के सेट पर कुछ भी नहीं लेने की चेतावनी दी है मानते हुए कि वह उसके प्रति उनकी श्रद्धांजलि है जैसे ही गुंडे भागने की योजना बना रहे होते हैं तो फ्रेंटेलिस प्रकट होते हैं और उनके उनकी लूट छीन लेते हैं फ्रेंसेलिस ने गनीज के हाथों का बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जब तक वह जंग के के इसलोत के नहीं आ जाएंगे और फ्रेंटलिस को माफी कर देने देर तक से विचलित कर दिया जाए ताकि गुनीज पानी में कूद सके और सुरक्षा के लिए तैयार फंडे फ्रांड एंडी को डूबने से बचाना और वेचुमन करते हैं फ्रेंटलिस विली की जो सहित सभी खजाने को हथियारों के लिए आगे बढ़ाते हैं जिससे इससे एक बूबी ट्रैप शुरू हो जाता है और जिससे कूटी धंस जाती है और इसलोथ की मदद से गुनीज और फ्रेंटेलिस मुश्किल में से बच निकलते हैं दो समूह एस्टोरिया और समुद्र तट पर उभरते हैं जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिले मिलते हैं और फ्रेंटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन चंक क्लोस चंक इसलोथ को भी ले जाने से रोकते हैं और वे इसलोथ को अपने साथ रहने के लिए आमदी करते हैं जिससे इस स्वीकार कर लेता है और जैसे ही मिक्की के पिता फौजदारी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले होते हैं तो वोसेस की नौकरानी रोसालिटा को पता चलता है कि मिकी का संगमरमर का बैग उन रत्नों से भरा होता है जो उसने जहाज से मिले थे जिन्हें फ्रेंटेलिस ने जब्त किया था मिकी के पिता ने विजय होकर कागजात फाड़ दिया और घोषणा की कि उनके पास फौजदारी और नकारने के लिए पर्याप्त है जैसे ही गुंडे अविश्वासी प्रेम के पुलिस को अपने साहसिक कार्य की कहानी सुना रहे होते हैं तो किसी का ध्यान इनफो इन फर्नों की ओर आकर्षित हो गया और कुटी की मुक्त हो गई दूसरी ओर शानदार ढंग से अपना आप निकल रहा था ढालना सोन एस्टीन माइकल्स मिकी वोल्स के रूप में गुनीज के दमा के नेता थे नजर आए थे ब्रेन, ब्रेडन ब्राउन क्लास के रूप में जोस ब्रोलिन एक हाई स्कूल एथलिन और मिकी के बड़े भाई का के भाई और विचारक थे जेफ कोहेन लॉरेंस चंक कोहेन के रूप में गुनिस का एक अनाडी सदस्य और आ, आदतन मिथ्यावादी था कोरी फोरी फेल्डमैन क्लर्क माउथ डेवरा के रूप में एक गुनी उपनाम जी अपनी चु, चु, चुटकली जीप के लिए जाना जाता था और मिकेगा सबसे अच्छा दोस्त था के हुई क्ला रिचर्ड डेटा के रूप में एक जेम्स बॉन्ड्स कट्टरपंथी के और सोकिया गेजेट्रिय गुनी थे एड्रिया थेरेसा एंडी कारमाइकल के रूप में कैरी ग्रीन एक हाई स्कूल टीचियर लीडर्स और ब्राउन की प्रेमिका है स्टेफनी स्टेस स्टेव स्टीन ब्रेनर की और टॉम ब्रॉय की एंडी की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में मार्था प्लिप्टन है मामा माना मामा फ्रेंटलेली के रूप में एनी रेस में अपने परिवार की तावली मूल की अपराधा मुखिया है जेक फ्रेंटली के रूप में रॉबर्ट डेवी मामा फ्रेंटली का बेटा एक एक जाल और हाल ही में भागा हुआ भगोड़ा जो पुलिस हिरासत से भागा था जैसे ही फिल्म की शुरुआत में देखा गया था फ्रांसिस फ्रेंडली के रूप में जो पेट्रोलियनों का मामा फ्रेंडली का एक पसंदीदा बेटा जो चश्मा और हेयर पीस पहनता है लेटलोटनी स्लोथ फ्रेंडली के रूप में जॉन मार्टूस विकृत जो प्रताप लेकिन बाल हरदिया मामा फ्रेंडली का बेटा जिसके चंक दोस्ती करता है आइसरीन वोल्स मिकी के ब्रांड की उद्यम मचाने वाली मां के रूप में मेरी एलन ट्रेनर है कीत की वोकल इसे और इवरिन इनक्लोस मिकी के ब्रांड के पिता और स्थानीय इतिहास संग्रहालय के, के, के क्यूरेटर के रूप में है रोसालिटा के रूप में ओटीवी रोस वोल्स परिवार की मैक्सिन हाउस कीगर जो केवल पे स्पेनिश बोल सकती है और एलिंगिन एलिंगिन पोर्किन के रूप में एंड सेन ट्रैन जो क्रोड़पति पिता और स्टोरिया के कंट्री क्लब के मालिक जोकुन डॉक्स पर फौजदारी के पीछे हैं ट्रेयल फॉर पार्किंस के रूप में स्टीव एंटिन एलगिन पार्किंस का बिगडेल बेटा जो एडी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्रड का प्रतिद्वंद्वी है शरीफ के रूप में पोल ट्रेपे जो जॉर्ज रोबेथम एक जेल प्रहारी के रूप में जो के जे एक की एक नकली आत्महत्या के मूर्ख बना दिया है मिस्टर वांग के रूप में माइकल चेन डाटा डेटा के पिता जो जेम्स बॉन्ड्स के कट्टर के, और गैजेट प्रेमी भी हैं निर्देशक रिचर्ड डोना सेरिफ के और डिप्टी के रूप में अप्रकाशित केमियो भूमिका निभाते हैं फिल्म के सिनोमेटोग्राफर निक मैकलिन ने भी माउथ के पिता का भूमिका निभाई है मर्द एफ एजेंट की भूमिका स्टंटमेंटेड ग्रांसमैन ने निभाई है इसके बाद देखा गया है कि फिल्म का उत्पादन द गोनिस पर मुख्य फोटोग्राफी बाईस को शुरू हुई और पांच महीने तक तक चली अतिरिक्त सप्ताह ऑडियो और रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया था शूटिंग स्क्रिप्ट एक सौ बीस से अधिक पृष्ठों पर लंबी थी जिसमें अंत में अंतिम नाटकीय स्करण में कई दृश्यों को काट दिया गया था फिल्म का समापन के दौरान एक ऑक्टोपस का उल्लेख किया गया था जो दृश्य को संदृप्त करता है और अंतिम का कट को हटा दिया गया था द गोनीस मूवी के फैक्टोर रिव्यू द गोनीस सन उन्नीस सौ पिचासी की अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो क्रिस कोलंबस की पटका था और रिचर्ड डोनर द्वारा सहनिर्मित तो निर्देशित है जो स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानी पर आधारित है इसमें सीन सीन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहेन को और कोरी फेल्डमैन और कैरी के ग्रीन और मार्थक ने अभिनय किया है जॉन मार्टू जेनी रोबर्स रॉबर्ट्स रॉबर्ट डेवी जो पैट्रोलियोनो और मैरी एलन ट्रेलर का द्वारा सहायक भूमिकाओं के साथ प्लिम्पटन और हुई क्लगबी फिल्म के एस्टोरिया ओग्र में गून डॉग्स स्पोडेस में रहने वाले बच्चों का एक समूह अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करता है और ऐसा करने पर उन्हें एक पुराने खजाने का नक्शा मिला जहां उन्होंने खोजने के लिए साहित्य साहसिक कार्य पर ले जाया जाता है सत्रहवीं सत्र सता सदी में प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान अपराधियों का एक परिवार उनका पीछा करता है जो अपने लिए खजाना चाहते थे फिल्म के निर्देशक रिचर्ड डोनर है फिल्म की पटकथा के केस बस है फिल्म की कहानी स्टीफन स्पीलवर्ग है फिल्म को उत्पादित किया गया रिचर्ड डोनर और हार्वे बर्न द्वारा अभिनीति है सोन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहन के कोरी फील्डमैन कैरी के, ग्रीन मार्था प्लिस्टन के हुई कमान और एनी से छायांकन है निक मैकलिन का संपादित है माइकल कहन के, के संगीत है डेवग्राशीन के उत्पादन कंपनी एलम्बिन इंटरटेनमेंट वितरित किया गया वार्नर दस द्वारा रिलीज की तारीख सात जून सन उन्नीस को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया था इसका कार्यक्रम एक मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का निर्माण इस विलबर्ग के एन एबलिंटन इंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था और वार्नरबर दस पीछा संयुक्त द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 जून सन उन्नीस सौ पिचासी को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था कथानक एस्टोरिया ऑर्गेन को एक गुण डॉक्स क्षेत्र में अपने घरों का एक विस्तारित कंट्री क्लब के लिए जब्त किए जाने का सामना करते हुए बच्चों का एक समूह जो खुद को दागोनिस कहते थे और अंतिम सप्ताहांत के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं वो वो वॉलसेस की एंट्री में खोजबीन करते हुए उन्होंने सन सोलह सो का एक डबू और पुराना खजाना नक्शा मिला जो पैराणिक समुद्री डाकू वन आई डी विली विली के खजाने तक ले जाता था माना जाता है कि इस वह पास के ही पास में ही कि कहीं स्थित और मिकी वन आइड्स विली को आ, असली गुनी मानता है खजाने में अपने घरों को बचाने और आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्राउन की हावी हो जाते हैं और उसे बांध देते हैं और तट पर एक प्रत्येक रेस्तरा में खज में जाते हैं जो नक्शे से मेल खाता है ब्राउन जल्द ही एंडी के साथ आ जाता है और चेयर लीडर और उस पर क्राउन है और स्टेफ एंडी का दोस्त है समूह को अत्यंत पता चलता है कि प्रत्येक रेस्तरा फ्रेटली अपराध परिवार का ठिकाना है फ्रांसिस जेक और उनकी माँ गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते हैं और उसका पीछा करते हैं लेकिन चंक पुलिस को संचेत करने के लिए निकल जाता है जब चंक एक मोटर चालक को सिर्फ स्टेशन जाने के लिए रोकता है तो फेर, फेरेटेलिस द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उ, उ, उनके विनाश वनाश विकृत छोटे बाइक इसलोत के साथ कैद कर दिया जाता है फ्रेंटेलिस चंक से तब तक पूछताछ करते हैं जब तक कि वह यह नहीं बता देते कि गुंडे कहां गए और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं चंगोक को इस पास रह जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है इस श्लोक द्वारा उन दोनों को मुक्त करने के बाद चंक सैरिफ को बुलाता है जो सोचता है कि वह चंक की लंबी कहानियों से में से एक है चंक और इस इस्लोक फ्रेंटिस पथ का अनुसरण करते हैं गुनी सुरंगों के किनारे कई घातक बूबी जालों को बचते हुए जबकि फ्रेंटेलिस को को बमु, को बमुश्किल आगे रहते हैं और वे अत्यंत कुटी तक पहुंचते हैं जहां विली की विली का समुद्री डाकू जहाज फ्रोन लंगर डालते हुए समूह को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है और वे अपनी जेबे भरना शुरू कर देते हैं लेकिन मिकी ने उन्हें विली विली के कंकाल के सामने तराजू सेट के सेट पर कुछ भी नहीं लेने की चेतावनी दी है मानते हुए कि वह उसके प्रति उनकी श्रद्धांजलि है जैसे ही गुंडे भागने की योजना बना रहे होते हैं तो फ्रेंटेलिस प्रकट होते हैं और उनके उनकी लूट छीन लेते हैं फ्रेंसेलिस ने गनीज के हाथों का बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जब तक वह जंग के के स्लोथ के नहीं आ जाएंगे और फ्रेंटलिस को माफी कर देने देर तक से विचलित कर दिया जाता कि गुनीज पानी में कूद सके और सुरक्षा के लिए तैयार फंडे फ्रांड एंडी को डूबने से बचाना और वेचुमन करते हैं फ्रेंटलिस विली की तरह जो सहित सभी खजाने को हथियारों के लिए आगे बढ़ाते हैं जिससे इससे एक बूबी ट्रैप शुरू हो जाता है और जिससे कूटी धंस जाती है और इसलोथ की मदद से गुनीज और फ्रेंटलिस मुश्किल में से बच निकलते हैं दो समूह एस्टोरिया और समुद्र तट पर उभरते हैं जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिले मिलते हैं और फ्रेंटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन चंक क्लोस चंक इसलोथ को भी ले जाने से रोकते हैं और इसलोथ को अपने साथ रहने के लिए लियामदी करते हैं जिससे इस स्वीकार कर लेता है और जैसे ही मिक्की के पिता फौजदारी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले होते हैं तो वोलस की नौकरानी रोसालिटा को पता चलता है कि मिकी का संगमरमर का बैग उन रत्नों से भरा होता है जो उसने जहाज से मिले थे जिन्हें फ्रेंटेलिस ने जब्त किया था मा मिक्की के पिता ने विजयी होकर कागजात फाड़ दिया और घोषणा की कि उनके पास फौजदारी और नकारने के लिए पर्याप्त है जैसे ही गुंडे अविश्वासी प्रेम के पुरुष को अपने साहसिक कार्य की कहानी सुना रहे होते हैं तो किसी का ध्यान इनफो इन फर्नों की ओर आकर्षित हो गया और कुटी की मुक्त हो गई दूसरी ओर शानदार ढंग से अपना आप निकल रहा था ढालना सोन एस्टीन माइकल्स मिकी वोल्स के रूप में गुनिस के दमा के नेता थे नजर आए थे ब्रेन, ब्रेडन ब्राउन क्लास के रूप में जोस ब्रोलिन एक हाई स्कूल एथलिन और मिकी के बड़े भाई का के भाई और विचारक थे जेफ कोहेन लॉरेंस चंक कोहेन के रूप में गुनिस का एक अनाडी पेटू सदस्य और आ, आदतन मिथ्यावादी था कोरी फोरी फेल्डमैन क्लर्क माउथ डेवरा के रूप में एक गुनी उपनाम जी अपनी चु, चु, चुटकली जीप के लिए जाना जाता था और मिकेगा सबसे अच्छा दोस्त था के हुई क्ला रिचर्ड डेटा के रूप में एक जेम्स बॉन्ड्स कट्टरपंथी के और सोकिया गेजेट्रियर गुनी थे एड्रिया थेरेसा एंडी कारमाइकल के रूप में कैरी ग्रीन एक हाई स्कूल टीचियर लीडर्स और ब्राउन की प्रेमिका है स्टेफनी स्टेस स्टेव स्टीन ब्रेनर की और टॉम ब्रॉय की एंडी की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में मारथल प्लिम्पटन है मामा माना मामा फ्रेंटलेली के रूप में एनी रेस में अपने परिवार की तावली मूल की अपराधा मुखिया हैं जेक फ्रेंडली के रूप में रॉबर्ट डेवी मामा फ्रेंडली का बेटा एक एक जाल साहस और हाल ही में भागा हुआ भगोड़ा जो पुलिस हिरासत से भागा था जैसे ही फिल्म की शुरुआत में देखा गया था फ्रांसिस फ्रेंडली के रूप में जो पेट्रोलियनों का मामा फ्रेंडली का एक पसंदीदा बेटा जो चश्मा और हेयर पीस पहनता है लेटलोटनी स्लोथ फ्रेंडली के रूप में जॉन मार्टूस विकृत जो प्रताप लेकिन बाल हृदिया मामा फ्रेंडली का बेटा जिसके चंक दोस्ती करता है आइसरीन वॉल्स मिक्की के ब्रांड की उद्यम मचाने वाली मां के रूप में मेरी एलन ट्रेनर है की कित की वोकल इसे और इवरिन इनक्लोस मिकी के ब्रांड के पिता और स्थानीय इतिहास के संग्रहालय के, के क्यूरेटर के रूप में है रोसा लिटा के रूप में ओटीवी ओटवीरोस वोल्स परिवार की मैक्सिन हाउस कीगर जो केवल पे स्पेनिश बोल सकती है और एलिंगिन एलिंगिन पोर्कनस के रूप में एंड सेन ट्रायल जो क्रोड़पति पिता और स्टोरिया कंट्री क्लब के मालिक जोकुन डॉक्स पर फौजदारी के पीछे हैं ट्रायल फॉर पार्किंस के रूप में स्टीव एंटिन एलगिन पार्किंस का बिगडेल बेटा जो एडी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्रड का प्रतिद्वंदी है शरीफ के रूप में पोल ट्रेपे जो जॉर्ज रोबेथम एक जेल प्रहारी के रूप में जो के जे एक की एक नकली आत्महत्या के मूर्ख बना दिया है मिस्टर वांग के रूप में माइकल चेन डाटा डेटा के, के पिता जो जेम्स बॉन्ड के कट्टर के और गैजेट प्रेमी भी हैं निर्देशक रिचर्ड डोना सेरिफ के ओड डिप्टी के रूप में अप्रकाशित केमियो भूमिका निभाते हैं फिल्म के सिनेमेटोग्राफर निक मैकलिन ने भी माउथ के पिता का भूमिका निभाई है मर्द एफ एजेंट की भूमिका स्टंटमैन टेड ग्रांसमैन ने निभाई है इसके बाद देखा गया है कि फिल्म का उत्पादन द गेन द गोनिस पर मुख्य फोटोग्राफी बाईस अक्टूबर सन चौरासी को शुरू हुई और पांच महीने तक तक चली अतिरिक्त सप्ताह ऑडियो डिबिंग और रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया था शूटिंग स्क्रिप्ट एक सौ बीस से अधिक पृष्ठों पर लंबी थी जिसमें अंत में अंतिम नाटकीय नाटकीयकरण में कई दृश्यों को काट दिया गया था फिल्म का समापन के दौरान एक ऑक्टोपस का उल्लेख किया गया था जो दृश्य को संदृप्त करता है और अंतिम का कट को हटा दिया गया था द गोनीस मूवी के फैक्टो रिव्यू द गोनीस सन उन्नीस सौ पिचासी की अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो क्रिस कोलम्बस की पटका था और रिचर्ड डोनर द्वारा सहनिर्मित तो और निर्देशित है जो स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानी पर आधारित है इसमें सीन सीन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहेन को और कोरी फेल्डमैन और कैरी के ग्रीन और मार्थक ने अभिनय किया है जॉन मार्टू सज्चक जेनी रोबर्स रॉबर्ट्स रॉबर्ट डेवी जो पेट्रोलियोनो और मैरी एलन ट्रेलर का द्वारा सहायक भूमिकाओं के साथ प्लिप्टन और हुई भी फिल्म के एस्टोरिया ओग्र में गून डॉग्स स्पोडेस में रहने वाले बच्चों का एक समूह अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करता है और ऐसा करने पर उन्हें एक पुराने खजाने का नक्शा मिला जहां उन्होंने खोजने के लिए एक साहित्य साहसिक कार्य पर ले जाया जाता है सत्र सत्रहवीं सदी में प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहसिक कार्य के दौरान अपराधियों एक परिवार उनका पीछा करता है जो अपने लिए खजाना चाहते थे फिल्म के निर्देशक रिचर्ड डोनर है फिल्म की पटकथा के बस है फिल्म की कहानी स्टीफन स्पीलवर्ग है फिल्म को उत्पादित किया गया रिचर्ड डोनर और हार्वे बर्न द्वारा हार अभिनीति है सोन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहन के कोरी फिल्डमैन के कैरी ग्रीन मार्था प्लिस्टन के हुई कवान और एनी रेम से छायांकन है निक मैकलिन का संपादित है माइकल कैहन के संगीत है डेव ग्राशीन के उत्पादन कंपनी एलम्बिन इंटरटेनमेंट वितरित किया गया वार्नर दस द्वारा रिलीज की तारीख सात जून सन उन्नीस सौ पिचासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया था इसका कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का निर्माण इस बिलबर्ग के एवलिंटन एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था और वर्नरबर संयुक्त द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सात जून सन उन्नीस सौ पिचासी को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था कथानक एस्टोरिया औरगेन को एक गून डॉक्स क्षेत्र में अपने घरों का एक विस्तारित कंट्री क्लब के लिए जब्त किए जाने का सामना करते हुए बच्चों का एक समूह जो खुद को द कहते थे और अंतिम सप्ताहांत के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं वो वॉलसेस की एंट्री में खोजबीन करते हुए उन्होंने सन सोलह सो का एक डब और पुराना खजाना नक्शा मिला जो पैराणिक समुद्री डाकू वन आई डी विली विली के खजाने तक ले जाता था माना जाता है कि इस वह पास के ही पास में ही कि कहीं स्थित और मिकी वन आइड्स विली को आ, असली गुनी मानता है खजाने में अपने घरों को बचाने और आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्राउन की हावी हो जाते हैं और उसे बांध देते हैं तट पर एक प्रत्येक रेस्तरा में खज में जाते हैं जो नक्शे से मेल खाता है ब्राउन जल्द ही एंडी के साथ आ जाता है और चेयर लीडर और उस पर क्राउन है और स्टेफ एंडी का दोस्त है समूह को अत्यंत पता चलता है कि प्रत्येक रेस्तरा फ्रेडली अपराध परिवार का ठिकाना है फ्रांसिस जेक और उनकी माँ गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते हैं और उसका पीछा करते हैं लेकिन चंक पुलिस को संचेत करने के लिए निकल जाता है जब चंक एक मोटर चालक को सेरिफ स्टेशन जाने के लिए रोकता है तो फेरेटेलिस फेरे द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उ, उ, उनके विनाश वर, वर, विकृत छोटे बाइक स्लोत के साथ कैद कर दिया जाता है फ्रेंटेलिस चंक से तब तक पूछताछ करते हैं जब तक कि वह यह नहीं बता देते कि गुंडे कहां गए और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं चंग इस श्लोक को इस पास रह जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है इस श्लोक द्वारा उन दोनों को मुक्त करने के बाद चंक सैरिफ को बुलाता है जो सोचता है कि वह चंक की लंबी कहानियों से में से एक है चंक और इस इस्लोक फ्रेंटिस पथ का अनुसरण करते हैं गुनी सुरंगों के किनारे कई घातक बूबी जालों को बचते हुए जबकि फ्रेंटेलिस को को बमु, को बमुश्किल आगे रहते हैं और वे अत्यंत कुटी तक पहुंचते हैं जहां विली की विली का समुद्री डाकू जहाज फ्रोन लंगर डालते हुए समूह को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है और वे अपनी जेबें भरना शुरू कर देते हैं लेकिन मिकी ने उन्हें विली, विली के कंकाल के सामने तराजू सेट के सेट पर कुछ भी नहीं लेने की चेतावनी दी है मानते हुए कि वह उसके प्रति उनकी श्रद्धांजलि है जैसे ही गुंडे भागने की योजना बना रहे होते हैं तो फ्रेंटेलिस प्रकट होते हैं और उनके उनकी लूट छीन लेते हैं फ्रेंसेलिस ने ग्रीज के हाथों का बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जब तक वह जंग के के इसलोत के नहीं आ जाएंगे और फ्रेंटलिस को माफी कर देने देर तक से विचलित कर दिया जाता कि गुनीज पानी में कूद सके और सुरक्षा के लिए तैयार फ्रेफ्रांड एंडी को डूबने से बचाना और वेचुमन करते हैं फ्रेंटलिस विली की तरह जो सहित सभी खजाने को हथियारों के लिए आगे बढ़ाते हैं जिससे इससे एक बूबी ट्रैप शुरू हो जाता है और जिससे कूटी धंस जाती है और इसलोथ की मदद से गुनीज और फेंटेलिस मुश्किल में से बच निकलते हैं दो समूह एस्टोरिया और समुद्र तट पर उभरते हैं जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिले मिलते हैं और फ्रेंटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन चंक क्लोस चंक इसलोथ को भी ले जाने से रोकते हैं और इसलोथ को अपने साथ रहने के लिए लियामदी करते हैं जिससे इस स्वीकार कर लेता है और जैसे ही मिक्की के पिता फौजदारी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले होते हैं तो वोसेस की नौकरानी रोसालिटा को पता चलता है कि मिक्की का संगमरमर का बैग उन रत्नों से भरा होता है जो उसने जहाज से मिले थे जिन्हें फ्रेंटेलिस ने जब्त किया था मिकी के पिता ने विजयी होकर कागजात फाड़ दिया और घोषणा की कि उनके पास फौजदारी और नकारने के लिए पर्याप्त है जैसे ही गुंडे अविश्वासी प्रेम के पुरुष को अपने साहसिक कार्य की कहानी सुना रहे होते हैं तो किसी का ध्यान इनफो इन की ओर आकर्षित हो गया और कुटी की मुक्त हो गई दूसरी और दूसरी ओर शानदार ढंग से अपना आप निकल रहा था ढालना सोन एस्टिन माइकल्स मिकी वॉल्स के रूप में गुनिस के दमा के नेता थे नजर आए थे ब्रेन ब्रेडन ब्राउन क्लास के रूप में जोस ब्रोलिन एक हाई स्कूल एथलीन और मिकी के बड़े भाई का के भाई और विचारक थे जेफ कोहेन लॉरेंस चंक कोहेन के रूप में गुनिस का एक अनाडी सदस्य और आ, आदतन मिथ्यावादी था कोरी फोरी फेल्डमैन क्लर्क माउथ डेवरा के रूप में एक गुनी उपनाम जी अपनी चु, चु, चुटकली जीव के लिए जाना जाता था और मिका सबसे अच्छा दोस्त था के हुई क्ला रिचर्ड डेटा रूप में एक जेम्स बॉन्ड्स कट्टरपंथी के और सोकिया गेजेटर गुनी थे एड्रिया थेरेसा एंडी कारमाइकल के रूप में कैरी ग्रीन एक हाई स्कूल टीचर लीडर्स और ब्राउन की प्रेमिका है स्टेफनी स्टेस स्टेव स्टीन ब्रेनर की और टॉम ब्रॉय की एंडी की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में मार्था प्लिप्टन है मामा माना मामा फ्रेंटलेली के रूप में एनी रेसमे अपने परिवार की तावली मूल की अपराधा मुखिया है जेक फ्रेंडली के रूप में रॉबर्ट डेवी मामा फ्रेंडली का बेटा एक एक जाल और हाल ही में भागा हुआ भगोड़ा जो पुलिस हिरासत से भागा था जैसे ही फिल्म की शुरुआत में देखा गया था फ्रांसिस फ्रेंडली के रूप में जो पेट्रोलियनों का मामा फ्रेंडली का एक पसंदीदा बेटा जो चश्मा और पीस पहनता है लेटलोटनी स्लोथ फ्रेंडली के रूप में जॉन मार्टूस विकृत जो प्रताप लेकिन बाल हृदय मामा फ्रेंडली का बेटा जिसके चंक दोस्ती करता है आइसरीन वोल्स मिक्की के ब्रांड की उधम मचाने वाली मां के रूप में मेरी एलन ट्रेनर है कि की गीत की वोकल इस और इवरिन इनक्लोस मिकी के ब्रांड के पिता और स्थानीय इतिहास संग्रहालय के, के, के क्यूरेटर के रूप में है रोसा लिटा के रूप में ओटीवी ओटवेरोस वोल्स परिवार की मैक्सिन हाउस कीगर जो केवल पे स्पेनिश बोल सकती है और एलिंगिन एलिंगिन पोर्कनस के रूप में एंड सेन ट्रायन जो क्रोड़पति पिता और स्टोरिया के कंट्री क्लब के मालिक जोकुन डॉक्स पर फौजदारी के पीछे हैं ट्रॉयल पार्किंस के रूप में स्टीव एंटिन एलगिन पार्किंस का बिगडेल बेटा जो एडी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्रड का प्रतिद्वंदी है शरीफ के रूप में पोल ट्रूरिपे जो जॉर्ज रोबेथम एक जेल प्रहारी के रूप में जो के जे एक की एक नकली आत्महत्या के मूर्ख बना दिया है मिस्टर वांग के रूप में माइकल चेन डाटा डेटा के, के पिता जो जेम्स बॉन्ड के कट्टर के और गैजेट प्रेमी भी हैं निर्देशक रिचर्ड डोना सेरिफ के ओड डिप्टी के रूप में अप्रकाशित केमियो भूमिका निभाते हैं फिल्म के सिनोमेटोग्राफर निक मैकलिन ने भी माउथ के पिता का भूमिका निभाई है मर्द एफ एजेंट की भूमिका टेड ग्रांसमैन ने भी निभाई है इसके बाद देखा गया है कि फिल्म का उत्पादन द द गोनिस पर मुख्य फोटोग्राफी बाईस अक्टूबर उन्नीस सौ चौरासी को शुरू हुई और पांच महीने तक चली अतिरिक्त छह सप्ताह तक ऑडियो डिबिंग और रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया था शूटिंग स्क्रिप्ट एक सौ बीस से अधिक पृष्ठों पर लंबी थी जिसमें अंत में अंतिम नाटकीय स्करण में कई दृश्यों को काट दिया गया था फिल्म का समापन के दौरान एक ऑक्टोपस का उल्लेख किया गया था जो दृश्य को संदृप्त करता है और अंतिम का कट को हटा दिया गया था द गोनीस मूवी के फैक्टो रिव्यू द गोनीसन उन्नीस सौ पिचासी की अमेरिकी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो क्रिस कोलंबस की पटका था और रिचर्ड डोनर द्वारा सहनिर्मित तो और निर्देशित है जो स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानी पर आधारित है इसमें सीन सीन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहेन को और कोरी फेल्डमैन और कैरी के ग्रीन और मार्थक ने अभिनय किया है जॉन मार्टू माटूसज्जक जैनी रॉबर्ट्स रॉबर्ट डेवी जो पेट्रोलियोनो और मैरी एलन ट्रेलर का द्वारा सहायक भूमिकाओं के साथ प्लिपटन और हुई क्लगबी फिल्म के एसटोरिया ओगरगन में गून डॉक्स पोडेस में रहने वाले बच्चों का एक समूह अपने घरों को फौजदारी से बचाने का प्रयास करता है और ऐसा करने पर उन्हें एक पुराने खजाने का नक्शा मिला जहां उन्होंने खोजने के लिए एक साहित्य साहसिक कार्य पर ले जाया जाता है सत्रहवीं में प्रसिद्ध समुद्री डाकू वन आइड विली का लंबे समय से खोया हुआ भाग्य साहित्य साहसिक कार्य के दौरान अपराधियों का एक परिवार उनका पीछा करता है जो अपने लिए खजाना चाहते थे फिल्म के निर्देशक रिचर्ड डोनर है फिल्म की पटकथा के बस है फिल्म की कहानी स्टीफन स्पीलवर्ग है फिल्म को उत्पादित किया गया रिचर्ड डोनर और हार्वे बर्न हार द्वारा अभिनीति है सोन एस्टिन जोस ब्रोलिन जेफ कोहन के कोरी फिल्डमैन के कैरी ग्रीन मार्था पिलिम्पटन के हुई कवान और एनी रेम्स छायांकन है निक मैकलिन का संपादित है माइकल कहन के संगीत है डेव ग्राशीन के उत्पादन कंपनी एलम्बिन इंटरटेनमेंट वितरित किया गया वार्नर बर्दस द्वारा रिलीज की तारीख सात जून सन उन्नीस सौ पिचासी को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज किया गया था इसका कार्यक्रम एक सौ चौदह मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी फिल्म का निर्माण इस बिलबर्ग के एवलिंटन एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था और पिक्चर्स वर्नरबर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सात जून सन उन्नीस सौ पिचासी को नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था कथानक एस्टोरिया औरगेन को एक गुण डॉक्स क्षेत्र में अपने घरों का एक विस्तारित कंट्री क्लब के लिए जब्त किए जाने का सामना करते हुए बच्चों का एक समूह जो खुद को द कहते थे और अंतिम सप्ताहांत के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं वो वॉल्सेस की एंट्री में खोजबीन करते हुए उन्होंने सन सोलह सौ सो बत्तीस का एक डब डबलून और पुराना खजाना नक्शा मिला जो पैराणिक समुद्री डाकू वन आई डी विली विली के खजाने तक ले जाता था माना जाता है कि इस वह पास के ही पास में ही कि कहीं स्थित और मिकी वन आइड्स विली को आ, असली गुनी मानता है खजाने में अपने घरों को बचाने और आखिरी मौके के रूप में देखते हुए बच्चे मिकी के बड़े भाई ब्राउन की हावी हो जाते हैं और उसे बांध देते हैं तट पर एक प्रत्येक रेस्तरा में खज में जाते हैं जो नक्शे से मेल खाता है ब्राउन जल्द ही एंडी के साथ आ जाता है और चेयर लीडर और उस पर क्राउन है और स्टेफ एंडी का दोस्त है समूह को अत्यंत पता चलता है कि प्रत्येक रेस्तरा फ्रेटली अपराध परिवार का ठिकाना है फ्रांसिस जेक और उनकी माँ गुंडे तहखाने में एक सुरंग ढूंढते हैं और उसका पीछा करते हैं लेकिन चंक पुलिस को संचेत करने के लिए निकल जाता है जब चंक एक मोटर चालक को सेरिफ स्टेशन जाने के लिए रोकता है तो फे फेरे, फेरेटेलिस द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उ, उनके विनाश वर, वर, विकृत छोटे भाई इसलोत के साथ कैद कर दिया जाता है फ्रेंटेलिस चंक से तब तक पूछताछ करते हैं जब तक कि वह यह नहीं बता देते कि गुंडे कहां गए और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं चंग इस श्लोक को इस पास रह जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है इस श्लोक द्वारा उन दोनों को मुक्त करने के बाद चंक सैरिफ को बुलाता है जो सोचता है कि वह चंक की लंबी कहानियों से में से एक है चंक और इस्लोक इस फ्रेंटिस पथ का अनुसरण करते हैं गुनी सुरंगों के किनारे कई घातक बूबी जालों को बचते हुए जबकि फ्रेंटेलिस को को बमु को बमुश्किल आगे रहते हैं और वे अंतत उस कुटी तक पहुंचते हैं जहां विली की विली का समुद्री डाकू जहाज दाहिन फ्रों लंगर डालते हुए समूह को पता चलता है कि जहाज खजाने से भरा हुआ है और वे अपनी जेबें भरना शुरू कर देते हैं लेकिन मिकी ने उन्हें कि विली विली के कंकाल के सामने तराजू सेट के सेट पर कुछ भी नहीं लेने की चेतावनी दी है मानते हुए कि वह उसके प्रति उनकी श्रद्धांजलि है जैसे ही गुंडे भागने की योजना बना रहे होते हैं तो फ्रेंटेलिस प्रकट होते हैं और उनके उनकी लूट छीन लेते हैं फ्रेंसलिस ने ग्रनीज के हाथों का बांधना शुरू कर दिया और उन्हें तख्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जब तक वह जंग के के इस लौट के नहीं आ जाएंगे और फ्रेंटेलिस को माफी कर देने देर तक से विचलित कर दिया जाता कि गुनीज पानी में कूद सके और सुरक्षा के लिए तैयार फंडे फ्रांड एंडी को डूबने से बचाना और बेचुमन करते हैं फ्रेंटलिस विली की तरह जो सहित सभी खजाने को हथियारों के लिए आगे बढ़ाते हैं जिससे इससे एक बूबी ट्रैप शुरू हो जाता है और जिससे कूटी धंस जाती है और स्लोत की मदद से गुनीज और फ्रेंटेलिस मुश्किल में से बच निकलते हैं दो समूह एस्टोरिया और समुद्र तट पर उभरते हैं जहां गुंडे अपने परिवार और पुलिस के साथ फिर से मिले मिलते हैं और फ्रेंटलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन चंक क्लोस चंक इसलोथ को भी ले जाने से रोकते हैं और इसलोथ को अपने साथ रहने के लिए लियामदी करते हैं जिससे इसलोथ स्वीकार कर लेता है और जैसे ही मिक्की के पिता फौजदारी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले होते हैं तो वोसेस की नौकरानी रोसालिटा को पता चलता है कि मिक्की का संगमरमर का बैग उन रत्नों से भरा होता है जो उसने जहाज से मिले थे जिन्हें फ्रेंटेलिस ने जब्त किया था मिक्की के पिता ने विजयी होकर कागजात फाड़ दिया और घोषणा की कि उनके पास फौजदारी और नकारने के लिए पर्याप्त है जैसे ही गुंडे अविश्वासी प्रेम के पुरुष को अपने साहसिक कार्य की कहानी सुना रहे होते हैं तो किसी का ध्यान इनफो इन की ओर आकर्षित हो गया और कुटी की मुक्त हो गई दूसरी ओर शानदार ढंग से अपना आप निकल रहा था सोन ब्रेडन ब्राउन क्लास के रूप में जोस ब्रोलिन एक हाई स्कूल एथलिन और मिकी के बड़े भाई का के भाई और विचारक थे जेफ कोहेन लॉरेंस चंक कोहेन के रूप में गुनिस का एक अनाडी पेटू सदस्य और आ। आदतन मिथ्यावादी था कोरी फोरी फेल्डमैन क्लर्क माउथ डेवरा के रूप में एक गुनी उपनाम जी अपनी चु, चुटकली जीप के लिए जाना जाता था और मिके का सबसे अच्छा दोस्त था के हुई क्ला रिचर्ड डेटा वॉन्ग के रूप में एक जेम्स बॉन्ड्स कट्टरपंथी के और सोकिया गेजेट्रियर गुनी थे एड्रिया थेरेसा एंडी कारमाइकल के रूप में कैरी ग्रीन एक हाई स्कूल टीचियर लीडर्स और ब्राउन की प्रेमिका है स्टेफनी स्टेस स्टेव स्टीन ब्रेनर की और टॉम ब्रॉय की एंडी की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में मार्था प्लिम्पटन है मामा माना मामा फ्रेंटलेली के रूप में एनी रेसमे अपने परिवार की तावली मूल की अपराधा मुखिया हैं जेक फ्रेंडली के रूप में रॉबर्ट डेवी मामा फ्रेंडली का बेटा एक एक जाल साहस और हाल ही में भागा हुआ भगोड़ा जो पुलिस हिरासत से भागा था जैसे ही फिल्म की शुरुआत में देखा गया था फ्रांसिस फ्रेंडली के रूप में जो पेट्रोलियनों का मामा फ्रेंडली का एक पसंदीदा बेटा जो चश्मा और पीस पहनता है लेडलोटनी स्लोथ इस, फ्रेंडली के रूप में जॉन मार्टूस विकृत जो प्रताप लेकिन बाल हृदिया मामा फ्रेंडली का बेटा जिसके चंक दोस्ती करता है आइसरीन वोल्स मिक्की के ब्रांड की उधम मचाने वाली मां के रूप में मेरी एलन ट्रेनर है कि की कित की वोकल है इसे और इवरिन इनक्लोस मिकी के ब्रांड के पिता और स्थानीय इतिहास संग्रहालय के, के, के क्यूरेटर के रूप में है रोसा लिटा के रूप में ओटीवी ओटवेरोस वोल्स परिवार की मैक्सिन हाउस कीगर जो केवल पर स्पेनिश बोल सकती है और एलिंगिन एलिंगिन पॉर्कनस के रूप में एंड सेन ट्रायल जो क्रोड़पति पिता और स्टोरिया के कंट्री क्लब के मालिक जो जोकुन डॉक्स पर फौजदारी के पीछे हैं ट्रोयल फो के रूप में स्टीव एंटिन एलगिन पार्किंस का बिगडेल बेटा जो एडी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्राड का प्रतिद्वंदी है शरीफ के रूप में पोल ट्रूरेपे जो जॉर्ज रोबेथम एक जेल प्रहारी के रूप में जो के जे एक की एक नकली आत्महत्या के मूर्ख बना दिया है मिस्टर वांग के रूप में माइकल पोल चेन डाटा डेटा के, के पिता जो जेम्स बॉन्ड्स के कट्टर के और गैजेट प्रेमी भी हैं निर्देशक रिचर्ड डोना सेरिफ के और डिप्टी के रूप में अप्रकाशित केमियो भूमिका निभाते हैं फिल्म के सिनेमेटोग्राफर निक मैकलिन ने भी माउथ के पिता का भूमिका निभाई है मर्थ एफ एजेंट की भूमिका टेड ग्रांसमैन ने निभाई है इसके बाद देखा गया है कि फिल्म का उत्पादन द गेन द गोनिस पर मुख्य फोटोग्राफी 22 अक्टूबर सन उन्नीस को शुरू हुई और पांच महीने तक चली अतिरिक्त छह